अच्छा सुनो, सब्सक्राइब करते वक्त ना घंटी बजा देना, ताकि जब मैं ऑनलाइन आऊँ तो तुम्हारे फोन की भी। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे DLED BETC द्वितीय सेमेस्टर गणित। तो दोस्तों आज बात होगी अति लघु उत्तरीय प्रश्नों पर। ठीक है दोस्तों, इससे पहले वीडियो में हमने बहुविकल्पीय प्रश्नों पर बात की थी और उसमें आपको हमने 72 तरह के क्वेश्चंस आपको दिखाए थे। ठीक है, 72 क्वेश्चंस की दोस्तों लिस्ट थी। अगर आपने वो वीडियो ना देखी हो तो इस वीडियो को देखने के बाद उस वीडियो को जरूर देखिएगा, तो उससे भी आपको फायदा मिलेगा। मतलब आपका एक भी बहुविकल्पी क्वेश्चन गलत नहीं हो पाएगा दोस्तों, अगर आपने हर एक तरह के प्रश्नों पर सही जवाब दे दिया। तो चलिए दोस्तों आज की वीडियो शुरू करते हैं। और सबसे पहले दोस्तों आज हम लोग बात करेंगे सिर्फ और सिर्फ अति लघु उत्तरीय प्रश्नों पर। तो दोस्तों वीडियो को अंत तक देखिएगा, तभी आपके सारे नंबर कन्फर्म होंगे। तो दोस्तों सबसे पहला प्रश्न क्या है आपका, ये देखते हैं। एक्स क्यूब वाई माइनस एक्स वाई क्यूब का गुणनखंड ज्ञात करना है आपको, तो इसको कैसे करते हैं चलिए देखते हैं। ये एक नंबर का प्रश्न पूछा जाएगा दोस्तों, तो आप लोग अपने आप को नंबर देते रहिए और लास्ट में वीडियो में कमेंट्स कर सकते हैं कि आपके कुल कितने नंबर आ रहे हैं। तो सबसे पहले दोस्तों हमें किसका क्या गुणनखंड निकालना है। तो सबसे पहले क्या था क्वेश्चन, इसको लिख लेते हैं एक्स वाई क्यूब, एक्स क्यूब वाई दोस्तों, अच्छे से लिखते हैं एक्स क्यूब वाई माइनस एक्स वाई क्यूब। ठीक है, हम इसका क्या करना है, गुणनखंड करना है। कुछ नहीं दोस्तों, सबसे पहले इसमें देखिए कॉमन क्या है। कॉमन का मतलब वो होता है जो दोनों में हो। तो दोस्तों यहाँ पर आप लोग एक्स और वाई देखिए, दोनों पक्षों में ना, यहाँ भी देखिए एक्स है, यहाँ भी वाई है, यहाँ भी एक्स, यहाँ वाई। अगर एक्स वाई ले लेते दोस्तों, तो यहाँ पर देखिए एक्स की घात यहाँ पर दोस्तों आपको कितना दिख रहा है, तीन दिख रहा है। अगर एक एक्स चला जाता है तो कितना बचेगा दोस्तों, एक्स की घात दो बचेगा। और y दोस्तों हमने कॉमन ले लिया, बाहर आ चुका है, तो यहाँ से x और y क्यूब में x तो पहले निकल चुका है, y में तीन थी तो दो बची घाते, कितना दोस्तों बचेगा, दो घात। बस यही होगा आपका आंसर। अगर आप दोस्तों चाहे तो इसको और सॉल्व कर सकते हैं, वो कैसे, एक्स वाई लिखिए दोस्तों इसको। और दोस्तों आपने ये देखिए एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ठीक है, एक फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, तो वो क्या होता है दोस्तों, ए प्लस बी ए माइनस बी। तो आप लोग दोस्तों इसको ऐसे लिख सकते हैं, एक्स प्लस वाई और एक्स माइनस वाई। बस दोस्तों इससे ज्यादा अब इसको सॉल्व नहीं किया जा सकता, आप लोग इसी पर यहाँ पर लिख देंगे आंसर। अगर पेपर में ऐसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो आप लोगों को कैसे करना है आप लोगों को पता होना चाहिए। और दोस्तों ये पेपर में 2015 में ये क्वेश्चन आ भी चुका है, तो आप लोग तैयार रहिए दोस्तों, क्वेश्चन आते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, अगर आपको ये प्रश्न समझ में आ गया हो तो अच्छी बात है, और ना आया हो तो कोई दिक्कत नहीं है, आपको अलग से वीडियो बनाई जाएगी दोस्तों। लेकिन हम एक चीज आपको दिखाना चाहेंगे, इसको कॉमन कैसे लिया जाता है। जैसे दोस्तों ये था ना एक्स वाई क्यूब, यह एक्स क्यूब वाई दोस्तों पहले, और माइनस एक्स वाई क्यूब। अगर दोस्तों आप लोग यहां से एक्स और वाई कॉमन लेते हैं, ये समझिए दोस्तों, खाली इतना समझिए पहले, एक्स क्यूब वाई। अगर दोस्तों आप लोग यहां पर देख रहे हैं एक्स की कितनी घाते तीन है और वाई की कितनी घाते यहाँ एक है। अगर आप लोग एक्स और वाई कॉमन लेंगे इसमें से, ठीक है, तो वाई की एक घात, दोनों की एक एक घात दोस्तों कॉमन ले रहे हैं हम लोग, कितना ले रहे हैं घात ये भी देखते हैं, एक घात। तो दोस्तों यहाँ पर तीन थी तो यहाँ पर एक्स की घात दो बचेगी, और दोस्तों यहाँ पर एक घात थी, यहाँ पर फिर वाई की घात जीरो हो जाएगी, कुछ नहीं बचेगा। तो कभी भी अगर आप लोग कॉमन लीजिए तो इसकी घातें जरूर देखिए कितनी घात हो रही है, तो ये सब चीजें इंपॉर्टेंट रहती है। लेकिन चलिए अगर आपको समझ में आए तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं, तो उसको हम आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर देंगे कि गुणनखंड में कॉमन कैसे लिया जाता है। अब देखते हैं आज का दूसरा प्रश्न दोस्तों। तो दूसरा प्रश्न क्या रहा कि एक बगीचे में 2025 पौधे लगे हैं, प्रत्येक पंक्ति में उतने ही पौधे लगे हैं जितने बगीचे में कुल पंक्तियां हैं, प्रत्येक पंक्ति में कुल कितने पौधे लगे हैं ये आपको बताना है दोस्तों। तो हो सकता है आप लोग को देख के लग रहा हो यार क्वेश्चन तो बहुत बड़ा है, लेकिन ये प्रश्न सिर्फ एक नंबर में पूछा गया है, तो एक नंबर के लायक ही होगा ये प्रश्न। सबसे पहले दोस्तों क्या बोला गया प्रश्न में ये देखते हैं, एक बगीचे में टोटल कुल पौधों की संख्या दोस्तों है आपके 2025, ठीक है, ये बगीचा है, बगीचे में आपके इतने पौधे लगे हैं। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर क्या बात हुई, प्रत्येक पंक्ति में उतने ही पौधे लगे हैं जितने बगीचे में कुल पंक्तियां हैं। मतलब दोस्तों आपको यह समझना है कि प्रत्येक पंक्ति में, मतलब माना पंक्तियों की संख्या दोस्तों x है, ठीक है, हमने पंक्तियों की संख्या कितनी मान ली x है, और जितने बगीचे में कुल पंक्तियां, मतलब दोस्तों हर पंक्ति में उतने ही पौधे लगे हैं जितने बगीचे में कुल पंक्तियां हैं। तो दोस्तों इसको भी x मान लेंगे और बराबर हो जाएगा आपका 2025। बस ये लाइन आपको दोस्तों सही से पढ़नी है, प्रत्येक पंक्ति में उतने ही पौधे लगे हैं जितने बगीचे में कुल पंक्तियां हैं, ठीक है। मतलब दोस्तों अगर आप लोग पंक्ति बना लेंगे ऐसे, ठीक है, एक और पंक्ति बना ले ऐसे ऐसे बनाते जाए, तो हर पंक्ति में दोस्तों उतने ही पौधे लगे, जैसे आप मान लेते हैं एक दो तीन चार पांच छह, तो दोस्तों हर में छह छह लगेंगे और टोटल पंक्तियों की संख्या भी छह ही होंगे दोस्तों, एक और खींच देंगे, बस यही आपको समझना आता। तो दोस्तों एक्स गुणे एक्स करेंगे तो एक्स का स्क्वायर हो जाएगा और 2025, ठीक है। तो बस इसको सॉल्व कर लेते हैं,
एक्स बराबर दोस्तों कितना आ जाएगा आपका, अंडर रूट में आ जाएगा ना, दो अंडर रूट 2025। तो दोस्तों 2025 का किसका होता है, इसको सॉल्व करेंगे दोस्तों आ जाएगा आपका 45 का। तो दोस्तों अगर आपको याद तो होगा नहीं 45 तक, तो कैसे इसको सॉल्व करते हैं दोस्तों वो तो आप लोग को पता होना चाहिए। इसके फैक्टर कर सकते हैं आप लोग गुणनखंड, तो कैसे करते हैं वो दिखा देते हैं आपको छोटा सा जल्दी से। 2025 था दोस्तों, इसको पहले किससे भाग करते हैं, 5 से भाग कर लेते हैं, 5 चौके 20 होता है, 5 जीरो में 0 50 25, फिर 5 से दोस्तों 5 अठे 40 और 5 एकम 5, फिर दोस्तों हम लोग भाग कर सकते हैं 9 से कर दीजिए दोस्तों, 9 9 81 सीधे जल्दी से जल्दी हो सके, और 9 एकम 9। तो दोस्तों अगर आप लोग अंडर रूट में ये लिखते हैं कितना है दोस्तों, देखिए 5 दो बार आया, 9 दो बार है, 5 गुड़े 5 गुड़े 9 गुड़े 9। तो दोस्तों अगर हम अंडर रूट को सॉल्व करते हैं, अगर दो बार कोई संख्या होती है तो उसको एक बार हम बाहर लिख सकते हैं, एक बार दोस्तों बाहर 5 आएगा, एक बार 9 आ जाएगा, तो 9 गुड़े 5 होता है 45। तो दोस्तों आप ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं, और आंसर क्या लिखेंगे, 45 पौधे। ठीक है दोस्तों, बस ऐसे लिख देंगे उत्तर, एक नंबर का था, एक नंबर आपको मिल जाएगा। ये क्वेश्चन छोटा है होता है दोस्तों, लेकिन आप लोग को समझने की बात है बस। आप लोग क्वेश्चन ऐसे देखते हैं, काफी बच्चे डर जाते हैं कि यार इतना बड़ा क्वेश्चन है, इसमें क्या पूछा जा सकता है। लेकिन दोस्तों अगर कोई क्वेश्चन सिर्फ एक नंबर में पूछा गया तो मतलब समझ लीजिए वो क्वेश्चन बहुत ही छोटा होने वाला है। तो बस यही आपको ध्यान देना था कि भाई हर मतलब जितने दोस्तों यहाँ पर, हर पंक्ति में दोस्तों यहाँ पर 45 पौधे भी लगे हैं और पंक्तियों की संख्या भी यहाँ पर 45 है। ठीक है, तो अब देखते हैं आज का दोस्तों अगला प्रश्न, अगर कोई दिक्कत हो कमेंट कर सकते हैं आप लोग दोस्तों। तो तीसरा प्रश्न क्या रहा आपका, कि एक वर्गाकार तार का क्षेत्रफल अगर 144 सेंटीमीटर स्क्वायर है, इसे मोड़कर अगर आप लोग एक आयत बनाया गया है, ठीक है, एक आयत बनाया गया है, यदि आयत की लंबाई 16 सेंटीमीटर है तो आयत की चौड़ाई हमें बताना है। इस क्वेश्चन में बहुत ही आसान था, लेकिन आप लोग सोच रहे होंगे यार एक तो वर्ग आ गया यहाँ पर और एक आयत आ गया, अब क्या होगा। देखिए दोस्तों, एक वर्गाकार तार का क्षेत्रफल, ठीक है ना, 144 सेंटीमीटर स्क्वायर है, लेकिन हम इसको मोड़कर एक आयत बनाएंगे तो दोनों का क्षेत्रफल तो वही होगा। मतलब क्या होगा दोस्तों, वर्गाकार तार का क्षेत्रफल, ठीक है दोस्तों, बराबर दोस्तों हो जाएगा आप लोग का आयत का क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल। दोस्तों राइटिंग देखिए थोड़ी हमारी खराब है, तो उस पर आप लोग ध्यान मत दीजिएगा। तो वर्गाकार तार का क्षेत्रफल दोस्तों क्यों बराबर होगा, हम आपको बताते हैं। अगर आपको दोस्तों 2 किलो का एक हम लोहा दे देते हैं, 2 किलो का बाट आपने देखा होगा ना लोहा, ठीक है, अगर आपने उसको एकदम पतला सा लंबा सा तार ऐसे बना लिया, तब भी उसका वेट तो 2 किलो ही रहेगा ना, वो वेट तो चेंज होगा नहीं। तो बस कहने की बात दोस्तों यही है कि हमने भाई इसको वर्गाकार जो था हमारा, वर्गाकार तार का जो क्षेत्रफल था दोस्तों, इसको मोड़कर हम एक आयत बना लिए, तो क्षेत्रफल तो दोनों का तब भी बराबर होगा। इसका क्षेत्रफल दोस्तों हमें दे रखा है 144 वर्गाकार तार का, और आयत का क्षेत्रफल का दोस्तों फार्मूला होता है लंबाई गुणे चौड़ाई। देखिए दोस्तों हमें आयत का क्षेत्रफल दिया नहीं गया, इसलिए हम इसका फार्मूला यूज कर रहे हैं, और दोस्तों क्वेश्चन में ये आपको लंबाई दे रखा है 16 सेंटीमीटर, तो ये 16 हो जाएगा, और दोस्तों चौड़ाई हमें नहीं पता, चौड़ाई को चौड़ाई लिखते हैं, और 144 बस सॉल्व कर लेते दोस्तों, 144 बटे 16 हो जाएगा, नीचे आएगा इधर बराबर आपका हो जाएगा दोस्तों चौड़ाई, भाग कर लेते कितनी बार जाएगा दोस्तों, 16 कम 16, 16 9 144। तो दोस्तों आपके सीधे ऐसे लिख देंगे चौड़ाई बराबर आ गई 9 सेंटीमीटर, बस यही आपको उत्तर हो गया, इतना करना था। देखिए दोस्तों ऐसे क्वेश्चन आपके पेपर में पूछे जाते हैं, तो आप लोग अच्छे से तैयारी रखिएगा, ये भी 2015 में पूछा गया क्वेश्चन है दोस्तों, जी हाँ अच्छा क्वेश्चन है, तो तैयार रहिएगा अच्छे से। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में कुछ नहीं था ना दोस्तों, आप लोग को समझ में आ गया होगा। क्या समझना था इसमें, देखिए छोटी सी बात थी कि जो हमारा वर्गाकार तार का क्षेत्रफल है, उसी तार को मोड़कर हम एक आयत बना रहे हैं, ये समझिए दोस्तों, आपके मन में ये कॉन्सेप्ट आना चाहिए कि अगर हम एक 2 किलो का बाट लेते हैं, अगर उस लोहे को एकदम एकदम पतला कर दे दोस्तों, होता है ना जैसे कोई चीज पचक जाती है, कुछ भी करेंगे, लेकिन वेट तो दोस्तों उसका उतना ही रहेगा। तो बस बात उतनी आपको समझनी थी इसमें। अब देखेंगे आज का अगला प्रश्न दोस्तों, तो चौथा प्रश्न क्या रहा आपका, कि एक कक्षा में 3x² + 5x - 9 बालक पढ़ते हैं, ठीक है, एवं x² + 5x + 4 बालिका है, मतलब लड़कियां पढ़ती हैं, तो कक्षा में बालकों की संख्या बालिकाओं की संख्या से कितनी अधिक है, हल कीजिए। तो दोस्तों आप लोग को काफी बच्चे डर गए होंगे इस क्वेश्चन को देखकर कि यार बालक की संख्या तो 3x² + 5x - 9 है, हमें नहीं पता। इस क्वेश्चन को थोड़ा आसानी से लिया जाए क्या दोस्तों, अगर हम बोले कि अगर एक कक्षा में 5 लड़के पढ़ते हैं और 4 लड़कियां पढ़ती हैं, 5 लड़के 5 बॉय हैं और 4 क्या है, गर्ल्स हैं, ठीक है, लड़कियां, अब बताइए दोस्तों कक्षा में बालकों की संख्या बालिकाओं से कितनी अधिक है, आप क्या करेंगे, कहेंगे सर हम सिंपल से ये करेंगे 5 में से 4 घटा देंगे और बता देंगे कि एक लड़का
लड़कियों से ज्यादा पढ़ रहा है, मतलब चार लड़की एक लड़का ज्यादा है, ठीक है। तो कहेंगे यार ये कितना आसान था समझना। तो दोस्तों क्या ये तरीका हम सेम टू सेम या इस क्वेश्चन पर यूज कर सकते हैं, बस ये आपको सोचना है, ठीक है। दोस्तों इस क्वेश्चन को हटाते हैं। देखिए हमें बालक की संख्या दे रखी है 3x² + 5x - 9, ठीक है। ये दे रखी है दोस्तों बालक की संख्या मतलब लड़कों की संख्या, और बालिकाओं की संख्या दोस्तों हमें दे रखी है x² + 5x - 4, ठीक है। प्लस का ये दोस्तों ये आपकी गर्ल्स है जी लिख, और ये क्या है बॉय। तो हमें दोस्तों बताना है कि इसमें बालक की संख्या बालिकाओं से कितनी अधिक है। तो हमने दोस्तों इससे पिछले क्वेश्चन में हमने आपको एग्जाम्पल से बताया कि बस सिंपल से आप इसमें से घटा लेंगे, ये लड़कों में से लड़कियां घटा लेंगे दोस्तों आपका उत्तर मिल जाएगा। तो चलिए घटा लेते हैं, पहले लिखते हैं 3x² + 5x - 9, ठीक है, और घटाना है ना। ये दोस्तों ऐसे माइनस के चिन्ह लगाएंगे तो सभी के अंदर, अगर ब्रैकेट में है ना तो सभी के अंदर माइनस हो जाएगा, इसलिए दोस्तों हमें ब्रैकेट करके आपको पूरा एक एक स्टेप सोचा बता दिया जाए। तो ये हो गया, अब दोस्तों क्या होगा 3x² + वैसे ही लिख लेंगे 5x - 9। दोस्तों देखिए ये माइनस ब्रैकेट से पहले है ना, ये वाला माइनस इस ब्रैकेट से पहले, अगर माइनस ब्रैकेट के अंदर जाएगा तो सबको क्या कर देगा, ये माइनस कर देगा, माइनस का x² हो जाएगा दोस्तों, माइनस का 5x होगा और माइनस का 4 होगा। बस सॉल्व कर लेते दोस्तों क्या हो जाएगा, 3x² में से 1x² कम हो जाएगा दोस्तों, कितना बचेगा 2x² बचेगा, ठीक है। और यहाँ पर दोस्तों एक चीज देखिए, यहाँ पर प्लस का 5x है, यहाँ पर माइनस का 5x है, दोनों को क्या कर सकते हैं काट देते हैं, ये और ये कट गया खत्म। और दोस्तों यहाँ पर माइनस का 9 है और यहाँ पर माइनस का 4 है, तो दोस्तों माइनस माइनस से दोनों क्या हो जाएंगे जुड़ जाएंगे, तो हो जाएगा माइनस का 13, 2x² - 13, यही आपका उत्तर हो जाएगा। कितना आसान था दोस्तों, बस आपको समझना है थोड़ा और कुछ नहीं है, कोई भी क्वेश्चन कठिन नहीं होता, कोई भी क्वेश्चन आसान नहीं होता, बस आपको यही समझना था कि जो इसमें थोड़ा इसकी लैंग्वेज या भाषा इतने बदल दी क्वेश्चन बनाने वाले ने, तो आपको लगा कि यार कठिन है। अगर उसने ये बोला होता खाली कि कक्षा में 5 लड़के पढ़ते हैं और 4 लड़कियां पढ़ती हैं, आप बताइए कि लड़कों की संख्या लड़कियों से कितनी ज्यादा है, तो आप लोग आग बंद करके बोलते सर 5 - 4 करिए, 1 बचेगा जो आएगा, 1 आएगा, 1 लड़का जाता है। तो बस एग्जामिनर ने सोचा कि यार थोड़ा सा सवाल को कठिन बनाया जाए, तो उसने 5 - 4 की जगह ये रख दिया। तो अगर आपके पेपर में कोई भी क्वेश्चन आएगा तो हमें नहीं लगता दोस्तों अब आप लोग कोई गलती करेंगे। अब देखते हैं आज का अगला प्रश्न दोस्तों। तो पांचवा प्रश्न क्या रहा आपका कि 3, 5, x, 9 और 11 का समांतर मान अगर 7 दे रखा है तो x का मान ज्ञात करना है। तो चलिए देखते हैं कैसे करते हैं दोस्तों। अगर हम इसका समांतर माध्य दे रखा है दोस्तों, अगर समांतर माध्य का कोई क्वेश्चन आता है तो कैसे किया जाता है, सबसे पहले ऊपर जो पदों की संख्या होती है इसको पहले सबसे पहले जोड़ लेते हैं एक साथ, पहले लिखेंगे इसको 3 + 5 + आपका x है + 9 + 11, और दोस्तों ये देखते हैं कितनी बार टोटल संख्या आई है, 1, 2, 3, 4, 5, मतलब नीचे बटे में 5 जाएगा और बराबर दोस्तों क्या आ जाएगा आपका 7। बस ये करना है। इसमें देखिए आप लोग कभी कंफ्यूज मत होइएगा, समांतर माध्य सब छोटी चीजें होती हैं, नहीं तो आप लोग परेशान हो जाएंगे। तो क्या करेंगे, सबसे पहले गिन लेंगे टोटल कितनी बार संख्या आई है, गिने 1, 2, 3, 4, 5, तो नीचे 5 जाएगा अपॉन में और ऊपर दोस्तों जो रहेगा उसको जोड़ लेंगे 3 + 5 + x + 9 + 11, ठीक है। अब इसका तिरिया गुणा कर लेते दोस्तों कितना हो जाएगा, 7 × 5, इसको जोड़ लेते दोस्तों कितना हो गया, 5 × 3 = 8 और 8 × 9 = 17, 17 × 11 दोस्तों कितना हो गया, 18 × 10 = 28, ठीक है, 28 + x, इसको जोड़ लेते दोस्तों कितना हो गया, 7 × 5 = 35, बराबर आपका हो जाएगा 28 + x, तो यहां से x की वैल्यू दोस्तों आ जाएगी आपकी 35 - 28। तो दोस्तों हमें पता चल गया कि x की वैल्यू हमारी आ गई 7, तो हमें यही बताना था, हमें x का मान ज्ञात करना था, तो ये आपका आ जाएगा उत्तर। तो इस क्वेश्चन में दोस्तों कुछ था नहीं, ऐसे क्वेश्चन पूछे आते हैं पेपर में, लेकिन जिन बच्चों की मैथ कमजोर है तो उनके लिए काफी अच्छा क्वेश्चन है, और जिनकी मैथ आती है उनके लिए तो चलिए आसान था ना। लेकिन दोस्तों आप लोग की प्रैक्टिस अच्छी होनी चाहिए, बस हम चाहते हैं प्रैक्टिस आप लोग जितना अधिक करेंगे उतना अच्छे नंबर ला पाएंगे। तो स्कोर करने के लिए दोस्तों आप लोग को अच्छी प्रैक्टिस चाहिए होती है, तभी आपके 25 में 25 अंक बनते हैं। तो दोस्तों हम उम्मीद करेंगे कि इस बार अधिक से अधिक बच्चे 25 में 25 अंक लेकर आए मैथ में। तो आप देखेंगे आज का अगला प्रश्न दोस्तों। तो 6 नंबर प्रश्न क्या रहा आपका कि 9 × x = x/16, तो x का मान लिखिए। लिखना क्या है दोस्तों, ज्ञात करना पड़ेगा, ऐसे तो आएगा नहीं। तो दोस्तों ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए सबसे आसान तरीका होता है समानुपात में, देखिए पहले और अंतिम पद का गुणा होता है और बीच का गुणा होता है। तो दोस्तों क्या हो जाएगा, 9 × 16 और x का x से गुणा होगा दोस्तों क्या हो जाएगा, x × x, तो 16 9 दोस्तों तो आपका 144,
और x का स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पर। तो दोस्तों यहाँ से x बराबर आपका निकाल लेंगे, अंडर रूट आप जाएगा आपका 144। तो दोस्तों x की वैल्यू क्या होता है कि अंडर रूट 44 100 किसका होता है, ये होता है आपका 12 का। तो बस आपका उत्तर आ जाएगा 12। तो ये था आसान सा तरीका दोस्तों करने का आपका। अगर जिन बच्चों को समझ में आया तो कमेंट कर सकते हैं, ये सबसे आसान तरीका होता है दोस्तों। कभी भी समानुपात का क्वेश्चन आएगा तो आप लोग ऐसे कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि ये रूल होता है कि पहले जो बाह्य पदों का गुणनफल, ठीक है दोस्तों, बराबर होता है मध्य पदों का गुणनफल। तो दोस्तों देखिए, बाह्य पद का गुणनफल आपका था 16 गुणे 9, और ये अंतः पद था एक्स गुणे एक्स, ये बीच वाला है ना दोस्तों, एक्स गुणे एक्स, ये अंतः पद थे। अब देखेंगे आज का अगला प्रश्न दोस्तों। तो सातवां प्रश्न कह रहा आपका कि समीकरण x बटे 3 प्लस x बटे 2 बराबर 10 को हल कीजिए। तो चलिए दोस्तों, अच्छा क्वेश्चन आ गया समीकरण से, क्योंकि काफी बच्चे समीकरण देख कर ही डर जाते हैं। तो ये लिखा है x बटे 3 प्लस x बटे 2 बराबर आपको 10 को हल करना है, कैसे होगा चलिए देखते हैं। सबसे पहले दोस्तों यहाँ पर क्या ले लेते हैं, इसका एलसीएम ले लेते हैं, कितना हो जाएगा 3 और 2 है दोस्तों, 6 हो जाएगा नीचे, और या तिरिया गुणा कर सकते हैं दोस्तों, यहाँ से 2 एकम 2 2x हो जाएगा सीधे यहाँ पर, और प्लस यहाँ पर हो जाएगा दोस्तों 3x बराबर 10, ठीक है। और 2x और 3x को जोड़ देंगे दोस्तों, हो जाएगा आपका 5x बराबर दोस्तों हो जाएगा 10 गुणे 6, ठीक है। इसका 6 का यहाँ तिरिया गुणा हो गया, तो x बराबर दोस्तों क्या हो जाएगा 10 गुणे 6 बटे 5। तो काट लेते 5 एकम 5 5 दूनी 10, 6 गुणे 2 दोस्तों कितना हो गया 12। तो बस आपको उत्तर आ जाएगा 12। तो बस दोस्तों इतना ही करना था इस क्वेश्चन में, और कुछ नहीं था। तो समीकरण से ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देखिए एक नंबर का प्रश्न रहेगा तो आप लोग को ज्यादा दिक्कत नहीं करेगा, छोटे ही होते हैं तो एक नंबर के प्रश्नों में ज्यादा दिक्कत नहीं आती, तो आप लोग आसानी से कर ले जाएंगे। आप देखेंगे आज का अगला प्रश्न दोस्तों। तो आठवां प्रश्न आपका क्या रहा कि चित्र में त्रिभुज एबीसी और त्रिभुज पीक्यूआर दो समरूप त्रिभुज है, यदि बीसी बराबर 2 सेंटीमीटर, एबी 3 सेंटीमीटर और क्यूआर 3 सेंटीमीटर, तो भुजा पीक्यू की माप ज्ञात करना है। तो चलिए दोस्तों जल्दी से एक आप लोग के लिए दो समरूप त्रिभुज बनाया जाता है। तो त्रिभुज है ना, दोस्तों तो त्रिभुज कैसा भी बना लीजिए आप लोग, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। चलिए ऐसे ही बना लेते हैं नॉर्मली दो त्रिभुज। तो एक दोस्तों आप लोग का है पी क्यू आर, पी है, क्यू है और आर है, ठीक है दोस्तों। देखिए पी क्यू आर, एक दोस्तों आपका है क्या है, त्रिभुज ए बी सी। तो ए मान लेते हैं यहाँ पर, इसको बी मान लेते हैं और इसको सी मान लेते हैं, ठीक है। आप लोग के दो त्रिभुज तैयार हो गए। और दोस्तों देखिए क्या क्या कंडीशन दे रखी है, लिखते हैं कि इसमें अगर बी सी बराबर 2 सेंटीमीटर, तो बी सी आपकी ये दे रखी है दोस्तों 2 सेंटीमीटर, और ए बी बराबर 3 सेंटीमीटर, तो दोस्तों ये आपकी है 3 सेंटीमीटर, ठीक है। उसके बाद दोस्तों लिखा है कि क्यू आर बराबर 3 सेंटीमीटर, तो क्यू आर है आपका 3 सेंटीमीटर, और दोस्तों पी क्यू की माप हमें ज्ञात करनी है। तो ये माप दोस्तों हमें निकालना है जहाँ हमने क्वेश्चन मार्क लगा रखा है। तो दोस्तों देखिए इस क्वेश्चन को करना काफी आसान है, कुछ बच्चे देखकर डर जाते हैं कि अरे यार ये क्या क्वेश्चन आ गया, लेकिन इस प्रश्न में क्या बोला गया देखिए हम इसको कैसे कर सकते हैं। सबसे पहले दोस्तों बोला गया दोनों त्रिभुज क्या है, ये दो समरूप त्रिभुज है, तो इसकी एक कंडीशन बनती है दोस्तों, वो क्या बनती है आपकी पी क्यू अपॉन में जो आपका दोस्तों ये होगा ए बी, ये बराबर होगा। जी हाँ दोस्तों, जो भुजाएं होती है ना ऐसे, आप लोग देख रहे होंगे दोस्तों ये वाली भुजा ऐसे वाली। अब दोस्तों ये वाली भुजा की बात करेंगे, क्यू आर बराबर क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पर हो जाएगा बी सी, ठीक है। तो ये कंडीशन होती है समरूप में। अगर दोस्तों हम लोग चाहते हैं तो इधर से भी ले सकते थे ए बी बराबर ये, या ऐसे जैसे चाहे वैसे लिख सकते हैं। तो हमने यहाँ पर हमें क्या निकालना, पी क्यू की माप निकालना, हमें दोस्तों पी क्यू नहीं पता है, और हमें दोस्तों ए बी तो पता दे रखा है क्वेश्चन में, क्या दिया है दोस्तों ए बी हमें ये देखा था 3 सेंटीमीटर, ठीक है। उसके बाद दोस्तों बात करेंगे क्यू आर कितना दे रखा है, देखिए क्यू आर 3 दे रखा है और बी सी 2 दे रखा है, तो 3/2। इसको सॉल्व कर लेते हैं दोस्तों, पी क्यू बराबर आ जाएगा आपका 3 गुणे 3 बटे में 2, मतलब 3 3 का दोस्तों होता है 9/2। अब 2 से भाग कर लेंगे दोस्तों कितनी बार जाएगा, 2 चौके 8, 10 दशमलव लगाएंगे, 2 5 10, तो ये दोस्तों वैल्यू आ गई आपकी पी और क्यू की। तो बस आपका दोस्तों इतना ही उत्तर हो जाएगा। तो आसान था दोस्तों करने में ये, और पी क्यू की वैल्यू निकाली 4.5, ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों हम लोग पी क्यू की जगह लिख देंगे 4.5, बस ये हमें उत्तर चाहिए था और ये हो गया। तो इसको करने के लिए दोस्तों आप लोग को क्या तरीका चाहिए, बस इतना याद रखिए क्वेश्चन में लिखा क्या है उसको पढ़ेंगे, सबसे पहले देखेंगे, सबसे पहले यहाँ पर लिखा है कि समरूप त्रिभुज है, तो समरूप की हम कंडीशन तुरंत अप्लाई करेंगे, जो समरूप की शर्तें होती है दोस्तों वो चीज हमने यहाँ पर अप्लाई करके देखा।
अब देखेंगे आज का अगला प्रश्न। अगर आपको कोई दिक्कत लग रही हो दोस्तों, आप लोग डरिए मत, कमेंट करिएगा, हम आपको उत्तर जल्द से जल्द आपको देंगे या नई वीडियो के माध्यम से आपको रिप्लाई किया जाएगा। दोस्तों तो नवा प्रश्न क्या है कि ये पूछा गया था पेपर में आपके कि सबसे छोटी पूर्ण संख्या लिखिए। जी हाँ दोस्तों, ये प्रश्न आपका 2016 बैच में या 2016 में पूछा गया प्रश्न है दोस्तों कि सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या होती है, उसको लिखना था। तो आपको दोस्तों बस बताना था इसका सबसे छोटी पूर्ण संख्या होती है आपकी शून्य, या ऐसे लिख सकते हैं हिंदी में शून्य या जीरो, जैसे मन करे दोस्तों लिख सकते हैं, आपको पूरे अंक मिलते हैं। अब देखेंगे आज का अगला प्रश्न दोस्तों। तो दसवां प्रश्न क्या रहा आपका कि निम्नलिखित में समीकरण तथा सर्वसमिका छांटकर उस तक आपके अपने उत्तर पुस्तिका में लिखना था। तो ये बताना दोस्तों आपका ए और बी में कौन सा सर्वसमिका है और कौन सा आपका समीकरण है। तो क्या होगा दोस्तों, आप लोग देखिए इसको और बताइए। तो दोस्तों देखिए, सर्वसमिका की डिफिनेशन क्या होती है, चर राशि में ऐसा जिसमें दोनों पक्ष बराबर हो सर्वसमिका संबंध कहलाता है। ठीक है, जिसमें दोस्तों दोनों चर राशि मतलब दोनों बराबर हो। तो दोस्तों पहला विकल्प देखिए आपका 2x+2 हो जाएगा यहाँ पर, और 2x+2, तो दोस्तों आप इसको बोल सकते हैं सर्वसमिका। क्या बोल सकते हैं, सर्वसमिका। तो आपको दोस्तों ए वाला जो है वो सर्वसमिका है, और बी में दोस्तों देखिए समीकरण की परिभाषा क्या होती है इसको सुन लीजिए कि एक समीकरण समता सूचक चिन्ह युक्त बीजी व्यंजक पर एक प्रतिरोध है जिसमें चर के किसी विशिष्ट मान के लिए व्यंजक के दोनों पक्षों का मान समान होता है। तो ये दोस्तों हो गया आपका समीकरण। तो दोस्तों वीडियो को रोक के आप लोग एक बार डिफिनेशन फिर सुन सकते हैं या लिख सकते हैं कॉपी में, लेकिन सर्वसमिका में बस इतना ही आपको समझना है दोस्तों कि वह चर राशि जिसमें दोनों पक्ष बराबर हो। ठीक है, दोनों पक्ष बराबर है ना दोस्तों, ये वाला पक्ष देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2x+2 अगर अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये भी 2x+2 सर्वसमिका और ये समीकरण। अब देखेंगे आज का अगला प्रश्न दोस्तों। तो 11 नंबर प्रश्न क्या रहा आपका कि 83 के अंकों को परस्पर बदलने में प्राप्त संख्या को मूल संख्या से घटाने पर कौन सी संख्या मिलती है। तो दोस्तों बस कुछ नहीं करना है, क्या बोला गया प्रश्न कि 83 अंकों को परस्पर बदलने में प्राप्त संख्या को मूल संख्या में घटाने पर क्या मिलता है। पहले दोस्तों आपका था 83, 83 को जब हम परस्पर बदल देंगे दोस्तों क्या हो जाएगा, ऐसे लिखा ना 83, इसको बदल देंगे तो दोस्तों पहले 3 आ जाएगा फिर 8 आ जाएगा, तो बदल दिया 38 हो गया। उसके बाद दोस्तों हमें क्या करना है, घटाना है। तो 83 में से हम 38 को घटा लेंगे दोस्तों, जो आएगा वही आपका उत्तर होगा। 13 में से 8 गया कितना बचा दोस्तों, 13 में से 8 क्या बचा, 5, 8 5 13 होता है, और 7, 7 में से 3 क्या दोस्तों बचा आपका 4, तो आपका उत्तर आ जाएगा 45। बस यही करना था, क्वेश्चन को देखेंगे समझेंगे और करेंगे। बस छोटी सी बात दोस्तों यहाँ पर लिखी थी वही आपको समझनी थी, दोनों अंकों को परस्पर हमको क्या करना है, बदलना है। तो अंकों को बदलना का मतलब दोस्तों क्या हो गया, 83, अगर दोस्तों यहाँ पर लिखा होता 43 तो इसको अंकों बदलेंगे दोस्तों हो जाता आपका 34। ठीक है, 3 और 4, अगर दोस्तों यहाँ पर लिखा होता 51, इसके अंकों को परस्पर बदलेंगे तो 1 और 5 हो जाएगा। ठीक है, मतलब लिखा होता 284 तो क्या हो जाता, पहले 4 आता आपका फिर 8 आता, तो यही करना था और कुछ नहीं। अब देखेंगे दोस्तों आज का अगला प्रश्न दोस्तों। तो 12 नंबर प्रश्न क्या रहा आपका कि समीकरण -4x+3 -6x-18 को हमें क्या करना है, हल करना है। तो चलिए कर लेते दोस्तों, क्वेश्चन को पहले लिखते हैं बड़ा सा, 4x प्लस का आपका 3 दे रखा है क्वेश्चन में, बराबर माइनस का 6x और माइनस का 18। तो दोस्तों देखिए यह -4x है ना, इसको इधर लेके आते दोस्तों राइट हैंड में लाते हैं, -6x को क्या हो जाएगा -4x, यहाँ पर हो जाएगा दोस्तों प्लस का 6x, और दोस्तों बराबर में क्या हो जाएगा दोस्तों, ये -18 दे रखा है और -3 प्लस का 3 दोस्तों इधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। ये हो गया दोस्तों, बस सॉल्व कर लेते, 6 में से 4 गया दोस्तों, बचा आपका 2x, और दोस्तों माइनस माइनस है दोनों क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा, तो जोड़ देते हैं -21। तो दोस्तों यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे माइनस का 21/2, 21/2, तो यही आपका हो जाएगा दोस्तों क्या हो जाएगा, उत्तर। बस इतना ही करना था आपको और कुछ नहीं करना था इस क्वेश्चन में। तो बस दोस्तों इतना ही हल किया जा सकता है, ज्यादा हल करने का कोई फायदा नहीं है, या दशमलव में ला सकते दोस्तों, 10.5 लिख सकते हैं, लेकिन कोई फायदा नहीं होगा दोस्तों। चलिए आपका समीकरण हल हो गया, अब देखते हैं आज का अगला प्रश्न दोस्तों। तो 13 नंबर प्रश्न क्या रहा आपका कि एक कक्ष की लंबाई 11 मीटर, चौड़ाई 8 मीटर है, और आपकी दोस्तों ऊंचाई दे रखा है 5 मीटर, तो कक्ष की चारों दीवारों का क्षेत्रफल ज्ञात करना है दोस्तों आपका। तो बस सिंपल सा फार्मूला यूज करेंगे इसका, क्षेत्रफल बराबर 2 लंबाई प्लस का दोस्तों हो जाएगा आपका चौड़ाई, ठीक है, और गुणे में दोस्तों हो जाएगा आपका ऊंचाई, बस इतना निकाल लेंगे आपका आ जाएगा उत्तर। तो चलिए दोस्तों रख लेते हैं,
दो लंबाई 200 क्या दे रखा है यहाँ पर हमें 11 दे रखा है 11 मीटर, प्लस 200 चौड़ाई दे रखा है आपको यहाँ पर 8 मीटर, और 200 ऊंचाई कितना दे रखा है 5, गुणे में 5 हो जाएगा। सॉल्व कर लेते हैं दोस्तों, 2 11 8 होता 219 होता है, और 5 दोस्तों 5 और 2 का गुणा पहले करेंगे 5 दूनी 10, क्यों करेंगे दोस्तों हम आपको बाद में बताते हैं, गुणे 19 दोस्तों, इसलिए हमने पहले गुणा किया कि 5 दूनी 10। अब 19 में देखिए 10 से गुणा करना कितना आसान है ना, 190 एक बढ़ा देंगे बस ये आपका उत्तर हो जाएगा। तो दोस्तों ये काफी आसान होता है, तो आपका क्या आएगा वर्ग मीटर, ये आपका क्या निकाला था हमें क्षेत्रफल। तो चलिए दोस्तों ये क्वेश्चन हो गया, काफी आसान था, लेकिन दोस्तों ऐसे क्वेश्चन पेपर में आते तो आप लोगों को करना आसान रहेगा, तो लेकिन आप लोग देख लीजिए कि कभी ऐसा कोई क्वेश्चन आए पेपर में, हो सकता है आपके पेपर में आया तो दोस्तों वहां पर जो आपकी कक्षा की लंबाई दी है, इस बार यहाँ 11 दिया है, वहां पर दोस्तों लिख सकता है 12 मीटर है चौड़ाई आपकी, वहां पर यहाँ 8 है तो वहां हो सकता है 7 लिख जाए, कुछ और लिख जाए, तो आप लोग को कंफ्यूज नहीं होना है। मेन बात होती है दोस्तों क्वेश्चन देखिए बिल्कुल सेम अक्षर से तो नहीं आते, लेकिन थोड़ा बहुत बदलता है, तो वही चीज आपको समझनी है और करनी है। तो तरीका आपने आज सीख लिया है और वहां पर इसको अप्लाई कर दीजिएगा। अब देखते हैं आज का अगला प्रश्न दोस्तों, तो 14 नंबर प्रश्न क्या रहा आपका कि एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² का मान ज्ञात कीजिए जबकि एक्स प्लस 1/x = 2। इसको अच्छे से लिख लेते हैं, आपको शायद समझ में आ रहा हो, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² की दोस्तों हमें वैल्यू निकालनी है, ठीक है, ये इसका मान निकालना, जबकि हमें दोस्तों मान दे रखा है कि एक्स प्लस 1/x = 2। दोस्तों देखिए कभी ऐसा प्रश्न पूछा जाए, ये वाली लाइन आप लोग याद कर लीजिए, ये वाला लाइन कभी आपको दिख जाए इसका मान निकालिए, इसका एक फार्मूला होता है, इसको हमेशा याद रखिएगा, z² - 2। और दोस्तों जेड की वैल्यू क्या होती है, जेड की वैल्यू हमेशा दोस्तों ये जो दी रहती है ना x + 1/x = 2, जो भी दिया रहेगा 3 4 5 वही जेड की वैल्यू होगी। तो दोस्तों यहाँ पर हम जेड की जगह क्या रखेंगे, 2 रखेंगे, तो 2 इसका स्क्वायर और माइनस का 2, ये फार्मूला होता है, बस इसको याद रखिए, 2 2 4 - 2 और आपका 2 आंसर आ जाएगा दोस्तों, ठीक है, 4 में से 2 गया 2, बस एक लाइन का दोस्तों रहेगा, लेकिन आपको बस इतनी शर्त है कि इस फार्मूले को आपको अच्छे से याद रखना होगा। कौन सा फार्मूला दोस्तों, यही वाला z² - 2, इसको आप लोग कॉपी में लिख लीजिए, जहां पर लिख सके लिख सकते हैं दोस्तों, एक लाइन में 1 सेकंड में आप लोग इसको सॉल्व कर लेंगे, क्योंकि कंपटीशन में ये सवाल काफी पूछा जाता है, तो आप लोग को तरीका याद होना चाहिए, ठीक है दोस्तों। आप करेंगे आज का अगला प्रश्न, तो ये तरीका आपने सीख लिया होगा, तो 1 नंबर का क्वेश्चन रहेगा दोस्तों, तो आपको एग्जामिनर कोई नंबर यहाँ पर काटेगा नहीं, क्योंकि 1 नंबर में काटेगा तो बचेगा क्या, तो आप लोग का आंसर सही आना चाहिए, 2 आ गया। अब चलिए देखते हैं आज का अगला प्रश्न दोस्तों, तो 15 नंबर प्रश्न क्या रहा आपका कि परिमेय संख्या को -7/9 जो भी दे रखी दोस्तों को हमें आरोही क्रम में लिखना है। तो दोस्तों आरोही क्रम का मतलब क्या होता है, आप लोग को पता होगा कि कोई बढ़ता हुआ क्रम होता है उसको हम क्या बोलते हैं, आरोही क्रम, क्या दोस्तों कैसा क्रम होता है वो, बढ़ता हुआ, जैसे दोस्तों हम लिखेंगे 1 2 3 और आगे ऐसे लिखते चले जाएंगे, तो ये होगा हमारा आरोही क्रम। तो इसको कैसे करेंगे दोस्तों, आइए देखते हैं, पहले दोस्तों हमें दे रखा है 7/9 और दूसरा दोस्तों -5/27 और तीसरा दोस्तों दे रखा है 2/-3। एक चीज और दोस्तों, अगर आप लोग देख रहे हो यार -3 नीचे लिखा है, इसका मतलब कुछ और अलग होता है क्या, जी नहीं दोस्तों, अगर माइनस ऊपर लिखिए चाहे नीचे, क्योंकि -- ऊपर नीचे गुणा कर सकते हैं, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, तो हमने वैसे ही आपको लिख के दिखा दिया, नहीं तो आप लोग परेशान होंगे। तो ऐसे क्वेश्चन में सबसे पहले दोस्तों हम लोग एक काम करते हैं, माइनस को कॉमन लेते हैं, इसको पूरे एक ब्रैकेट में लिख लेते हैं, 7/9 हो गया, 5/27 हो गया और 2/3 हो गया, माइनस हट गया, अब अच्छा लग रहा है दोस्तों देखने में, नहीं तो काफी बच्चे टेंशन में आते हैं कि माइनस है क्या होगा क्या होगा, तो अब क्या कर सकते हैं दोस्तों ये देखते हैं दोस्तों। सबसे पहले हम लोग इसका एक एलसीएम ले लेते हैं, क्या हो जाएगा दोस्तों एलसीएम, 9 3 27 27, ठीक है, तो सबसे अच्छा रहेगा दोस्तों तरीका एलसीएम भी लेके कर सकते हैं, या तो दोस्तों एक काम और कर सकते हैं, इसमें 100 से गुणा करके भी कर सकते हैं, लेकिन दोस्तों 100 से गुणा करने का कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि 9 से कटती है नहीं संख्या, तो आप लोग परेशान होगा, नीचे हर में अगर दोस्तों 5 दिया होता तो आप लोग 100 से गुणा कर सकते थे, 5 या 2 दे रखा होता दोस्तों, जो 100 कट जाए जितने, मतलब 4 हो गया। तो चलिए दोस्तों इसमें हम एलसीएम ले लेते हैं, एलसीएम हो जाएगा आपका 27 ही हो जाएगा सबका दोस्तों, तो इसमें करेंगे क्या हो जाएगा, 9 3 27 ऊपर हो जाएगा दोस्तों, 7 3 21, ठीक है दोस्तों, ये तो 5/27 ही रहेगा, इसमें कोई चेंजेस नहीं आएगा, और दोस्तों यहाँ पर क्या हो जाएगा, 3 9 27 होता दोस्तों ना, तो 9 2 18 है, तो यहाँ पर हो जाएगा 18/27। तो दोस्तों हमने क्या किया था, इसमें सिर्फ एलसीएम ले लिया और कुछ नहीं किया है, तो बस और माइनस आगे कर देते हैं, तो दोस्तों अब माइनस को अंदर चलिए एंट्री करा देते हैं, -21/27 -5/27 और -18/27। अब दोस्तों इसको हम क्या लिखते हैं, आरोही क्रम में,
तो आरोही क्रम का मतलब दोस्तों हमने बताया कि आपको बढ़ता हुआ क्रम होता है आरोही का मतलब, तो यहां पे लिख देंगे दोस्तों हम लोग आरोही क्रम में लिखने वाले हैं, आरोही क्रम, ठीक है। तो दोस्तों बढ़ता हुआ क्रम, बढ़ता हुआ क्रम आपको याद रखना है, आरोही का मतलब होता है। तो सबसे छोटी संख्या इसमें क्या दिख रही है आप लोग ये बताइए। देखिए जो माइनस में सबसे बड़ी दिख रही होगी -21, ये सबसे ज्यादा सबसे छोटी है। मतलब क्या हो गया दोस्तों, अगर आपने 100 रुपये एक बच्चे ने उधार लिया है, एक ने 50 रुपये उधार लिया, तो दोस्तों कौन सबसे ज्यादा गरीबी में हुआ, तो 100 रुपये वाला ना। तो बस वैसे ही समझना, तो यहाँ पर सबसे छोटी संख्या होगी आपके -21/27। अब दोस्तों उसके बाद बात करेंगे तो -18/27 दोस्तों उससे छोटा। अब दोस्तों सबसे बड़ा दोस्तों जो यहाँ पर होगा वो बढ़ रहा है वो है -5/27, क्योंकि दोस्तों ये सबसे जल्दी प्लस में चला जाएगा, लेकिन जो -21 और -18 को प्लस में आने में थोड़ा सा समय ज्यादा लगेगा। तो ये था दोस्तों तरीका, इससे आप लोग आरोही क्रम में निकाल लिए। बस दोस्तों ऐसे क्वेश्चन आएंगे तो आपको क्या करना रहेगा, आप लोग नॉर्मली दोस्तों एलसीएम ले लीजिएगा, ठीक है ना। अगर दोस्तों यहाँ नीचे 5 होता, अगर आपका हर में 5 वाच होता, 5 2, तो 100 से गुणा भी कर सकते थे दोस्तों, से आसानी से आपका कट जाता। जैसे कैसे आप लोग सुन तो रहे होंगे काफी देर से 5 होता, जैसे क्या कहना क्या चाहते हैं हम दोस्तों। अगर लिखा होता 21/5 और दोस्तों दूसरी संख्या लिखी होती 17/5, इसको हमें लिखना है आरोही क्रम में, कौन सा बड़ा होगा दोस्तों। इसको सिंपल तो आप ये कर सकते थे, 21/5 × 100 कर लेते दोस्तों, और इसमें 17/5 × 100 कर लेते हैं, क्या आ जाएगा दोस्तों, 5 × 10 = 0, 5 × 10 = 0। तो दोस्तों क्या होता है 21 × 42 होता है, तो ये आ जाता कुछ 420, और दोस्तों ये हो जाता है 17 × 34, ठीक है, 17 × 34 तो 340। तो दोस्तों 340 और 420 में आरोही क्रम में बढ़ता हुआ क्रम है, तो मतलब पहले आपका दोस्तों क्या आ जाएगा यहाँ पर, यही से दोस्तों देख लेंगे, 17/5 पहले आएगा आपका, फिर आएगा दोस्तों आपका 21/5। तो दोस्तों ये था आपका आरोही क्रम का तरीका, आप लोग को जो भी तरीका समझ में आ रहा हो उससे आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। अब फिलहाल देखेंगे दोस्तों आज का अगला प्रश्न, अगर कोई भी दिक्कत हो, डाउट हो, संदेह हो, कमेंट करिएगा, आपको उत्तर जल्द से जल्द किया जाएगा दोस्तों। तो 16 नंबर प्रश्न कह रहा है आपका कि प्लूटो का जन्म 429 ईसा पूर्व में हुआ था तथा 348 ईसा पूर्व में वो दिवंगत हुए, वे कितने वर्षों तक जीवित रहे, ये आपको बताना है। तो दोस्तों ऐसे क्वेश्चन बहुत ही आसान होते हैं, बस आप लोग को सिंपल सा क्या करना था, 429 में से 348 आप लोग घटा देंगे, बस आपको उत्तर आ जाएगा कितना होगा दोस्तों, 9 में से 8 गया 1 और यहाँ बचा दोस्तों 12 में से 4 गया 8, बस ये कट्टम कुट्टम हो गया। तो दोस्तों वो कितने सालों तक तो जीवित रहे, वो उत्तर आएगा आपका 81 वर्ष, 81 ईयर। बस दोस्तों आपको इतना ही करना था और कुछ नहीं करना था, 81 साल जिन बच्चों को उत्तर आ रहा था वो बिल्कुल सही थे। तो दोस्तों ये क्वेश्चन आपके 2016 में पूछा गया था, जी हाँ दोस्तों BTC 2016 में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, तो आप लोग अच्छे से तैयारी करते रहिए। अब देखते हैं आज का अगला प्रश्न दोस्तों। तो 17 नंबर प्रश्न क्या रहा आपका कि x y-z + y z-x + z x-y का मान आपको क्या करना है, ज्ञात करना है। तो ये कैसे हो जाएगा, चलिए दोस्तों इसको देख लेते हैं। सबसे पहले प्रश्न लिखेंगे x y-z है आपका, प्लस का y z-x है, प्लस का z x-y, ठीक है। बस सिंपल सा दोस्तों आप लोग को अंदर गुणा करते हुए चले जाना है। तो सबसे पहले गुणा करेंगे दोस्तों x का y से साथ, एक्स वाई माइनस हो जाएगा दोस्तों x और z, फिर दोस्तों यहाँ पर क्या है y, और इसका z से गुणा होगा तो yz - y(x, y x, ठीक है। प्लस का दोस्तों अब यहाँ बारी आती है z का, x से गुणा होगा तो zx, माइनस का दोस्तों हो जाएगा यहाँ पर z और y। बस अब देखते हैं दोस्तों क्या क्या कट रहा है, यहाँ पर x y लिखा है दोस्तों और यहाँ पर लिखा y और x, तो दोस्तों ये उल्टा लिखा है तो मतलब कट गया, सीधा वही लिखा है दोस्तों, आप लोग को पता है गुणा में आगे पीछे लिखा जा सकता है। यहाँ पर दोस्तों x z लिखा है और यहाँ पर z x लिखा है, और दोस्तों यहाँ पर y z और यहाँ पर -z y, तो सब कुछ दोस्तों कट गया, बचा कितना आपका 0, तो आपका आंसर हो जाएगा 0। तो दोस्तों ऐसे प्रश्न आपके पेपर में पूछे जाते हैं, तो आप लोग को तैयारी करते रहना है, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन बहुत ही आसान होते हैं और अधिकतर 0 आता है, लेकिन 0 तब आता है जब आप लोग देख लीजिए कि ये अगर एक सीक्वेंस में आ रहा है, जैसे दोस्तों x y-z है, एक सीक्वेंस बन रहा है यहाँ पर, अगर एक भी आगे पीछे कर दिया गया दोस्तों तो इसका उत्तर 0 नहीं आएगा, तो आप लोग इसको रट्टा मत मारिएगा और सॉल्व करके देखिएगा। अब देखते हैं आज का अगला प्रश्न दोस्तों। तो आपका 18 नंबर प्रश्न क्या रहा कि एक रेलगाड़ी की चाल अगर दे रखी है दोस्तों x² + 3x + 2 किलोमीटर प्रति घंटा, तो दोस्तों ये आपकी क्या दे रखी है, ये आपकी दे रखी है चाल, ठीक है ना। यहाँ पर लिखा भी दोस्तों, इसको लिख लेते हैं,
तभी आप लोगों को दोस्तों ज्यादा अच्छे से क्लियर होगा। देखिए दोस्तों आजकल जो एग्जामिनर होते हैं वो होशियार हो गए हैं। अगर वो ये लिखे होते ना कि एक रेलगाड़ी की चाल 10 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो आप लोग के लिए काफी आसान होता, लेकिन वो समझदार हो गए। अब क्या लिखा दोस्तों, उसके आगे पढ़ते हैं। तो वह एक्स प्लस 2 घंटे में कितनी दूरी तय करेगी? तो दोस्तों हमें निकालना तो दूरी है, लेकिन एक्स प्लस 2 क्या दे रखा है, ये आपका समय दे रखा है। जी हाँ दोस्तों, कितना समझदार है देखिए आपका एग्जामिनर। तो दोस्तों आपने एक फार्मूला पढ़ा होगा, दूरी बराबर होता है चाल गुणे समय, चाल गुणे समय होता है दोस्तों। ठीक है, बस ये इस फार्मूले में आप इसकी वैल्यू रख देंगे, आपका उत्तर आ जाएगा। तो दोस्तों चाल क्या हो जाएगी दोस्तों, यहाँ पर हम देखते हैं, चाल दोस्तों दे रखा है एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2। एक्स स्क्वायर प्लस का 3x प्लस का 2 दोस्तों, ठीक है। अब समय क्या दे रखा है दोस्तों, एक्स प्लस 2। इसको सॉल्व कर लीजिए दोस्तों, जो आएगा यही आपका उत्तर होगा। सबसे पहले दोस्तों हम लोग ऐसे गुणा कैसे करते हैं, सबसे पहले दोस्तों हम लोग एक्स का गुणा पूरे इसमें करने वाले हैं, इस ब्रैकेट में। सबसे पहले दोस्तों कैसे करेंगे, एक्स स्क्वायर इंटू में दोस्तों एक्स आ जाएगा, ठीक है। फिर एक्स का गुणा इसके साथ करेंगे, 3x के साथ, 3x इंटू में एक्स। फिर दोस्तों 2 के साथ एक्स का गुणा करेंगे, 2 इंटू एक्स। फिर दोस्तों प्लस का चिन्ह लगाएंगे। अब 2 का गुणा अंदर होने वाला है, तो सबसे पहले 2 का गुणा दोस्तों एक्स स्क्वायर के साथ होगा, तो क्या आएगा, 2 डॉट एक्स स्क्वायर। प्लस 2 का गुणा अगर 3x के साथ करेंगे तो दोस्तों कितना आ जाएगा, 2 दशमलव, या डॉट करें, ये गुणा के चिन्ह दोस्तों दशमलव नहीं है, ठीक है। फिर 2 और 2, देखिए दोस्तों हम लोग एक एक स्टेप आपको इसलिए हम दिखा रहे हैं कि आप लोग अच्छे से सीख सके, समझ सके। तो दोस्तों यहाँ पर क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर इंटू एक्स का मतलब हो गया दोस्तों एक्स का क्यूब आ गया, प्लस का दोस्तों यहाँ पर कितना आ जाएगा, 3x स्क्वायर आ जाएगा। फिर दोस्तों आप लोग देख रहे होंगे यहाँ पर आ जाएगा 2x, ठीक है, 2 गुणे x 2x। फिर दोस्तों यहाँ पर क्या आता है, 2x स्क्वायर है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। फिर दोस्तों यहाँ पर 2 गुणे 3x था, तो मतलब 6x हो जाएगा, 2 3 6x। पर दोस्तों लास्ट में क्या, 2 गुणे 2 मतलब 4। अब इसको चलिए जोड़ जोड़ के बराबर कर लेते हैं। सबसे पहले दोस्तों एक्स क्यूब है, ठीक है, एक्स स्क्वायर वाला ये पद है और ये पद है, दोस्तों जोड़ लेते हैं कितना हो जाएगा, 3 2 5 x² प्लस दोस्तों यहाँ पर देखिए 2x यहाँ लिखा है, 6x यहाँ लिखा है, तो मतलब दोनों जोड़ेंगे तो आ जाएगा आपका 8x, प्लस का दोस्तों आ जाएगा 4। यही आपका हो जाएगा उत्तर दोस्तों। बस आपको इस सवाल में इतना करना था और आपको पूरे अंक मिल जाते हैं। लेकिन आपने यहाँ एक चीज देखी होगी, एग्जामिनर जो है वो बहुत ही होशियार था। अगर दोस्तों वो लिख देता कि इसकी चाल अगर 10 किलोमीटर प्रति घंटा है, ठीक है, अगर लिखता कि इसकी चाल 10 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो वह 2 घंटे में कितनी दूरी तय करेगा दोस्तों। तो आप लोग को पता क्या करना होता, दूरी बराबर चाल गुणे समय लगाते, तो 10 गुणे 2 कर देते दोस्तों, बस हो गया, 20 आ जाता आंसर, 2 घंटे में 20 किलोमीटर दूरी तय करेगा, ये उत्तर हो जाता आपका। लेकिन एग्जामिनर काफी समझदार था, तो उसने ऐसा नहीं किया, उसने आपको चर राशि में दिया कि एक्स स्क्वायर प्लस 3x, ऐसे करके लिखेंगे तो बच्चे डर जाएंगे और गलत करके आएंगे। लेकिन दोस्तों वो नहीं जानते कि वो बच्चे आजकल YouTube से पढ़ते हैं, तो अच्छा करके आएंगे और अच्छे अंक लेके आएंगे। दोस्तों ये क्वेश्चन आपका BTC 2017 में आ चुका है, तो आप लोग तैयार रहिए दोस्तों और YouTube से पढ़ने का कुछ फायदा उठाइए और सही सही करके आइएगा, ठीक है। अब देखते हैं आज का अगला प्रश्न दोस्तों। तो 19 नंबर प्रश्न क्या रहा आपका, कि यदि x प्लस 1/x = 5 हो, तो x² + 1/x² का मान ज्ञात कीजिए। अभी थोड़ी देर पहले हमने दोस्तों आपको कुछ ऐसा ही क्वेश्चन बताया था, अगर दोस्तों आपके मन में समझ में आ गया होगा वो क्वेश्चन, तो ये आप 1 सेकंड में कर ले जाएंगे। x² + 1/x² की वैल्यू निकालनी है आपको, ठीक है। तो दोस्तों हमने बताया था कि जब भी अगर आपको कोई ऐसा क्वेश्चन दिया गया, अगर x + 1/x की वैल्यू दे रखी है, तो अगर आपको ये वैल्यू निकालनी है दोस्तों x² + 1/x² की, आपको एक फार्मूला याद रखना है, z² - 2। तो दोस्तों जेड की वैल्यू हमेशा यही होगी जो आपको यहाँ पर दे रखी दी गई होगी क्वेश्चन में। तो दोस्तों जेड की जगह आप क्या रखेंगे, 5 के² - 2, दोस्तों हो जाएगा 5 के² 25 - 2 आ जाएगा आपका दोस्तों 23। कितना आसान था दोस्तों ये प्रश्न करना, तो बस आपको उत्तर हो जाएगा 23। तो यही इस क्वेश्चन का हल था। आप देखेंगे दोस्तों आज का अगला प्रश्न, लेकिन आप लोग इसको अच्छे से तैयार करिए कि आने वाली इस वीडियो में और भी क्वेश्चन आपको देखने को मिले, तो आप लोग को अपनी तैयारी का अंदाजा लग सके। आप देखते हैं आज का अगला प्रश्न दोस्तों। तो 20 नंबर प्रश्न क्या रहा आपका, कि -9/11 के योगात्मक प्रतिलोम को हमें ज्ञात करना है, ये बताना है, ठीक है, कि -9/11 का योगात्मक प्रतिलोम क्या होगा। दोस्तों हमेशा योगात्मक प्रतिलोम उल्टा होता है, 9/11 का योगात्मक हो जाएगा +9/11, ठीक है।
अगर कभी कोई और क्वेश्चन आपको दिखा जाए दोस्तों, अगर लिखा रहा है 1/5 का योगात्मक प्रतिलोम क्या होगा, तो उल्टा कर देंगे दोस्तों 1/5 का माइनस 1/5, बस ये आपको दिखाना था। तो ऐसे प्रश्न पेपर में पूछे जाते हैं, तो आप लोग को दोस्तों तैयार रहना चाहिए, खाली उल्टा करना होता है। जैसे -9/11 का हो जाएगा +9/11, तो प्लस रहेगा तो माइनस हो जाएगा, माइनस है तो प्लस हो जाएगा। तो तैयार रहिए दोस्तों। एक चीज और दोस्तों, काफी बच्चे हमसे पूछ रहे थे दोस्तों, देखिए जो बच्चे हमसे व्हाट्सएप पर जुड़ना चाहते हैं लेकिन उसकी दोस्तों फीस थोड़ी सी महंगी है, जो कि 1000 रुपये पर मंथ है। तो दोस्तों मानते फीस महंगी है, और हमारा एक नया एक्सपेरिमेंट चल रहा है दोस्तों, कि पहले 10 बच्चों के लिए दोस्तों हम व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कराना चाहते हैं, मतलब ग्रुप नहीं रहेगा दोस्तों, सीधे आप लोग व्हाट्सएप से हमसे कनेक्ट रहेंगे, जिसमें पहले 10 बच्चे ही कनेक्ट हो सकते हैं हमसे। तो दोस्तों अगर आप लोग को कनेक्ट होना है लेकिन सिर्फ 10 बच्चों के लिए सीट्स है, तो आप लोग को 1000 फीस देनी पड़ेगी। तो दोस्तों थोड़ी महंगी है, अगर आपके पास पैसे हैं तो आप लोग दोस्तों दे सकते हैं, लेकिन हम रिक्वायर उन्हीं को कहेंगे, मतलब ये फीस ज्वाइन वही करें जिन बच्चों के पास पैसे होते हैं, ठीक है, जिन बच्चों का फैमिली बैकग्राउंड अच्छा है। जो बच्चे गरीब हो उनको ज्वाइन करने की जरूरत नहीं दोस्तों, क्योंकि 1000 रुपये काफी ज्यादा होते हैं। अगर दोस्तों लेकिन अगर आप लोग ज्वाइन करेंगे तो आपको काफी बेनिफिट्स भी मिलेंगे, आपके डीएलएड से संबंधित कोई भी होगा नोट्स दोस्तों, सबसे ज्यादा आपको नोट्स दी जाएगी पढ़ने के लिए दोस्तों, हर तरह के नोट्स दिए जाएंगे। पर डे आपको दोस्तों करंट अफेयर्स मिलेगी, जो कि आपके आगे सुपर टेट में काम आने वाली है। सुबह सुबह पर डे की हर एक दिन की एक नई करंट अफेयर्स आएगी, और भी दोस्तों काफी चीजें होंगी। अगर आपको जैसे आपका एडमिट कार्ड हो गया, कोई आकर अगर आपको फॉर्म भरना है दोस्तों, उसमें आपको टेक्निकल हेल्प दी जाएगी। आपको दोस्तों रिजल्ट आएगा डीएलएड का, सबसे पहले आप लोग अपना रिजल्ट देख पाएंगे, वेबसाइट चले ना चले, तो काफी चीजें दोस्तों आपको देखने को मिलेंगी। लेकिन ये सिर्फ डीएलएड प्लस बच्चों के लिए होगा, और जिनकी संख्या सिर्फ और सिर्फ 10 होने वाली है यूपी लेवल पर। जी हाँ दोस्तों, पहले 10 बच्चे ही हमें ज्वाइन कर सकते हैं। तो अगर आपका मन है दोस्तों हमसे व्हाट्सएप पर जुड़ने का, तो आप लोग ट्राई कर सकते हैं। फीस महंगी है, हम मानते दोस्तों एक्सेप्ट कर रहे हैं। व्हाट्सएप नंबर हमारा दोस्तों ये है 8738072168708 07 3807 92 16। लेकिन दोस्तों फीस महंगी, हम फिर से कहेंगे 1000 रुपये, लेकिन जो बच्चे अफोर्ड कर सकते हैं, क्योंकि काफी बच्चे ऐसे हैं हमें मैसेज करते थे सर हम घर से बाहर नहीं जा सकते या हमारे यहाँ कोचिंग नहीं है, तो उनके लिए दोस्तों सही रहेगा 1000 रुपये देना, क्योंकि आज के दिन किसी भी कोचिंग की दोस्तों फीस होती है, अगर आप लोग जाएंगे इलाहाबाद पढ़ने तो कम से कम 15000 रुपये लगते हैं पर 3 मंथ के। जी हाँ दोस्तों, 3 महीने के 15000 आपको देने पड़ेंगे। दिल्ली में आएंगे तो यहाँ भाई अच्छी फीस है। तो दोस्तों अगर आपको बेस्ट कोचिंग से जुड़ना है, आप लोग हमसे जुड़ना चाहते हैं, अगर आपको 20 क्वेश्चन समझ में आए हो पिछले, तो ही आप लोग हमें पैसे दीजिएगा, अन्यथा कोई जरूरत नहीं है। अब देखते हैं आज का अगला प्रश्न। अगर आपको कोई जानकारी लेनी हो कि कैसे जुड़ सकता है, आप लोग हमें इस पर मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए सवाल देखते हैं आज का अगला प्रश्न क्या है दोस्तों। 21 नंबर प्रश्न क्या रहा आपका, कि एक त्रिभुज का क्षेत्रफल अगर 48 सेंटीमीटर स्क्वायर है, उसकी ऊंचाई हमें 8 सेंटीमीटर दे रखी है, तो दोस्तों त्रिभुज के आधार की माप हमें बताना है। तो क्या होता है दोस्तों, त्रिभुज का क्षेत्रफल का फार्मूला पहले आपको पता होना चाहिए दोस्तों। ऐसे लिख सकते हैं, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर दोस्तों होता है आपका 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई होता है दोस्तों, ठीक है, आधार, ठीक है, गुणे में ऊंचाई लिख सकते हैं। तो अब क्या करेंगे दोस्तों, हमें पता है कि इसमें त्रिभुज का हमें क्षेत्रफल क्या दे रखा है दोस्तों, 48 दे रखा है ना, यहाँ पर लिख दीजिए 48 बराबर दोस्तों हो जाएगा 1/2, और दोस्तों हमें पता है कि आधार हमें नहीं, आधार ही हमें निकालना है, तो आधार ऐसे ही लिख लेंगे आधार, ठीक है, इसको शॉर्टकट लिख रहे हैं, आ का मतलब आधार है, गुड़े दोस्तों हमें ऊंचाई दे रखी है 8 सेंटीमीटर, यहाँ पर लिखेंगे 8। तो चलिए सॉल्व कर लेते हैं दोस्तों, क्या हो जाएगा, इसको ऐसे काट सकते हैं 8 × 1 = 8, 8 × 5 = 48, 8 × 6 = 48, 6 का 200 3 गुड़ा हो जाएगा, 6 × 2 ऐसे लिख सकते हैं, बराबर आ जाएगा आपका आधार, आधार पूरा लिख लेते हैं। तो दोस्तों 6 × 2 होता है 12, ठीक है, आप इसकी यूनिट जरूर लिखिएगा, इकाई जिसको बोलते हैं हिंदी में, तो हो जाएगा 6 × 2 = 12 सेंटीमीटर, ठीक है, तो आपका आधार आ गया 12 सेंटीमीटर। तो ये रहा तरीका दोस्तों करने का। अब देखते हैं आज का अगला प्रश्न देखेंगे, लेकिन दोस्तों ये सवाल आपको समझ में आना जरूरी है। तो आपको समझ में आ गया होगा दोस्तों, क्योंकि इसमें सिर्फ हमने क्या यूज किया है कि जो त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है उसी को यूज किया, 1/2 आधार गुणे ऊंचाई, बस इतना फार्मूला आपको पता होना चाहिए। अब देखते हैं आज का अगला प्रश्न दोस्तों। तो 22 नंबर प्रश्न क्या रहा आपका, कि -5 ये सब दे रखा है दोस्तों, का मान हमें ज्ञात करना है, ठीक है, मान ज्ञात कीजिए। चलिए दोस्तों कर लेते हैं मान ज्ञात हम लोग। सबसे पहले दोस्तों लिख लेते हैं प्रश्न क्या, -5 है, फिर माइनस का, फिर ब्रैकेट के अंदर -45, फिर दोस्तों यहाँ पर भाग का चिन्ह है, फिर अंदर लिखेंगे ब्रैकेट में -15 दोस्तों, प्लस का -3 × 5, इसको सॉल्व कर लेना है। तो दोस्तों यहाँ पर बॉर्ड माउस का भी रूल अप्लाई होता है यहाँ पर, ठीक है, बॉर्ड माउस आपने सुन रखा होगा। तो बॉर्ड माउस का फुल फॉर्म क्या होता है, BOD
एम ए एस बॉड मास, ठीक है। 20 होता है ब्रैकेट, ओ से ऑफ होता है, डी से डिवाइड मतलब भाग, एम से मल्टीप्लाई मतलब गुणा, और ए से एडिशन मतलब जोड़, और ऐसे सब्ट्रैक्शन मतलब घटाना। ब्रैकेट का मतलब दोस्तों हिंदी में होता है कोष्टक। दोस्तों यहाँ पर लिखे रहने देते माइनस पाँच, ऐसे आ जाएगा दोस्तों। ये जब ब्रैकेट हटेगा ये वाला ना, तो ये माइनस और ये माइनस मिलकर हो जाएंगे प्लस का 45, और भाग का चिन्ह रहेगा दोस्तों ऐसे, तो यहाँ पर माइनस 15 रहने देते हैं। और दोस्तों प्लस का ये दोस्तों देखिए 3 और 5, इसका गुणा कर लेते हैं माइनस 15 हो जाएगा। देखिए दोस्तों बॉर्ड मास यहाँ कोई फर्क नहीं पड़ेगा लास्ट में, ठीक है। सबसे पहले दोस्तों हम लोग यहाँ पर भाग देंगे, तो क्या हो जाएगा माइनस 5 दोस्तों, ऐसे लिखेंगे 15, 45 बटे माइनस का 15, माइनस का 15, ठीक है। इसको सॉल्व कर लेते दोस्तों क्या हो जाएगा, यह होगा माइनस 5, 15 कम 15, 15 3 45 दोस्तों, माइनस का 3 फिर माइनस का 15। सॉल्व कर लेते दोस्तों क्या हो जाएगा, दोस्तों यहाँ लास्ट में क्या है 15 है ना, तो 15 5 20 और माइनस 23, तो माइनस का 23 आ गया दोस्तों, यही आपका हो जाएगा उत्तर। इसमें क्या मेन चीज है दोस्तों, ने जो ये आपका बीच में दे रखा ना ये, तो बॉर्ड मॉस से सबसे पहले हमने क्या किया, इसका भाग कर दिया। अगर कुछ और कर लेते दोस्तों, जोड़ घटाना पहले करते तो आपका गलत हो सकता था, तो यहाँ पर हमने बॉर्ड मॉस का सही से उपयोग किया है, इस रूल को फॉलो किया है, ठीक है। तो बॉर्ड मॉस का हम फुल फॉर्म बता देते हैं, डी से क्या आपका होता है, डी से होता है आपका भाग या अंग्रेजी में डिवाइड, और एम से होता है मल्टीप्लाई मतलब गुणा, तो ये चीज याद रखिएगा दोस्तों, ठीक है। एस से होता है घटाना या सब्ट्रैक्शन, ए का मतलब होता है जोड़ एडिशन, और डी एस का मतलब क्या होता है दोस्तों, घटाना, ये चीज आपके लिए जरूरी है, ठीक है। अब देखते हैं आज का अगला प्रश्न दोस्तों। तो 23 नंबर प्रश्न क्या दिया गया है कि यदि ए स्क्वायर प्लस 1/a² बराबर 2 हो, तो 1/a प्लस a का मान ज्ञात कीजिए। देखिए दोस्तों ये क्वेश्चन थोड़ा हटकर हो गया है, हर बार दोस्तों हमें थोड़ा वैल्यू किसकी पता होती थी हम बताते हैं अभी आपको। दोस्तों इससे पहले वाले क्वेश्चन में हमने इसकी वैल्यू निकाली थी, ठीक है, इतने की वैल्यू हमने निकाली थी, लेकिन इस बार इसकी वैल्यू हमें पहले से दे रखी है, और हमें दोस्तों पूछा गया है कि 1/a प्लस a का मान हमें ज्ञात करना है, ये बताना है। तो दोस्तों हमने एक फार्मूला पढ़ रखा है हमेशा से, क्या पढ़ा दोस्तों उसको देखते हैं, कि अगर 1/a अगर ऐसे लिखते हैं 1/a प्लस का a का होल स्क्वायर बराबर दोस्तों क्या होता है, आप लोग ये बताइए। a प्लस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला दोस्तों सबको पता होगा, तो हो जाएगा दोस्तों ये आपका 1/a², ठीक है। देखिए कोई भी क्वेश्चन को थोड़ा तरीके से लगाया जाता है ना, इसलिए आपको ये समझ में शायद ना है, लेकिन समझना पड़ेगा आपको, ठीक है। 1/a² × a² प्लस 2ab होता है, 2 × a × ab, ऐसे कर सकते हैं दोस्तों, लेकिन चलिए यहाँ पर आगे पीछे हो रहा है, नहीं तो आप लोग शायद समझ ना पाए। a का मतलब दोस्तों हमारा है 1/a से, यहाँ पर क्या लिखा 1/a लिखा ना, तो 2 × a क्या हो जाएगा 1/a × b1, ये जाएगा कट, आपको बचेगा कितना दोस्तों 1/a² प्लस ए स्क्वायर प्लस का 2। यहाँ पर दोस्तों एक चीज और देखने वाली है इस क्वेश्चन में, वो क्या चीज है पता है आपको, इस क्वेश्चन में देखिए दोस्तों हमें ये देखिए ए स्क्वायर प्लस 1/a² की वैल्यू दे रखी है, तो दोस्तों देखिए ए स्क्वायर और 1/a², इसकी जगह हम क्या रख सकते हैं, यहाँ पर देखेंगे दोस्तों क्या लिखा है, इसकी जगह 2, तो चलिए दोस्तों यहाँ पर हम लोग 2 रख देते हैं, 2 प्लस का फिर यहाँ 2 बचेगा, 2 और 2 होता है 4 दोस्तों, ये किसका फार्मूला हमने किसके सामने निकाला, 1/a + a का होल स्क्वायर, तो यहाँ पर ऐसे लिखेंगे 1/a + a का होल स्क्वायर बराबर 4, और दोस्तों हमें वैल्यू किसकी निकालनी है, सिर्फ 1/a और a का वैल्यू निकालनी है, तो दोस्तों हम लोग ये कर सकते हैं, इसका अंडर रूट उधर भगाते हैं, स्क्वायर हटाएंगे इधर से, तो यहाँ पर आ जाएगा दोस्तों अंडर रूट में 4, ठीक है। तो दोस्तों 1/a + a बराबर आ जाएगा आपका, अंडर रूट 4 की वैल्यू होती है दोस्तों 2, तो बस यही आपको उत्तर आ जाएगा, यही आपको निकालना था कि 1/a + a का मान हमें हम ज्ञात करना है, तो ये कैसे निकाल सकते हैं ये हमने देख लिया, तो दोस्तों यही हमें मान निकालना था, और इसका मान हमने निकाल लिया है 1/a + a का मान। तो दोस्तों ये प्रश्न आपके 2019 में पूछा जा चुका है, जी हाँ दोस्तों 2019 में ये प्रश्न आ चुका है, तो आप लोग अच्छे से तैयारी कर लीजिए, कोई भी छोटी छोटी गलती आप लोग पेपर में ना करिएगा। अब देखेंगे दोस्तों आज का अगला प्रश्न दोस्तों। तो 24 नंबर प्रश्न क्या रहा आपका कि -4/9 का गुणात्मक प्रतिलोम आपको बताना है। ऐसे क्वेश्चन में दोस्तों हमेशा यही होता है जो गुणात्मक प्रतिलोम पूछा जाता है, जैसे -4/9 का पूछा गया है, तो आंसर हमेशा दोस्तों उल्टा ही आता है इसका, तो आप लोग ऐसे सीधे लिख सकते हैं कि -9/4, लेकिन दोस्तों तरीका क्या होता है करने का ये आपको जानना ज्यादा जरूरी है यहाँ पर। तो दोस्तों देखिए इसमें आप लोग ये कर देंगे, हमेशा जब भी आपको गुणात्मक प्रतिलोम निकालना होगा तो दोस्तों
जैसे माइनस चार बटे नौ का गुणात्मक प्रतिलोम वह होगा जिसमें अगर हम x से गुणा करते हैं दोस्तों, मान लेते कोई गुणात्मक प्रतिलोम x होगा, x से गुणा करने पर दोस्तों इसमें वन आना चाहिए, ये समझिए दोस्तों। माइनस चार बटे नौ का गुणात्मक प्रतिलोम वह होगा जो इससे गुणा करने पर एक आए, इसमें गुणा करने पर एक आए। तो दोस्तों x ये कर देंगे तो x बराबर क्या लिख सकते हैं दोस्तों, इधर जाएगा तो वन इंटू नौ बटे चार हो जाएगा माइनस का, पलट जाएगी संख्या तो x बराबर नौ बटे चार माइनस का। तो दोस्तों इस तरीके से करेंगे आप लोग को पूरे अंक मिलेंगे। आप लोग चाहेंगे तो सीधे भी आंसर निकाल सकते हैं, लेकिन वो तब होगा जब आप यूपी टेट और सुपर टेट का पेपर देंगे। यहाँ पर आपको थोड़े तरीके से करना होगा दोस्तों एक अंक पाने के लिए, तो ये छोटी सी विधि लिखनी पड़ेगी दोस्तों। विधि कुछ नहीं है, मतलब गुणात्मक प्रतिलोम का मतलब ही होता है दोस्तों यही कि अगर हम गुणात्मक प्रतिलोम किसी भी चीज का गुणात्मक प्रतिलोम कोई भी अंक का वही होगा जिसमें हम उसमें गुणा करेंगे, ठीक है, गुणात्मक प्रतिलोम से गुणा करेंगे तो उसमें वन आना चाहिए। तो दोस्तों हमने यहाँ पर क्या किया था, एक्स से गुणा किया तो हमारा गुणात्मक प्रतिलोम वन आया, तो ये संख्या जाती है पलट, तो यही हो गया आपका आंसर। अब देखते हैं आज का अगला प्रश्न दोस्तों। तो 25 नंबर प्रश्न क्या रहा आपका कि पांच पुस्तकों का मूल्य सात पुस्तकों के मूल्य से 72 रुपए कम है, ठीक है, तो एक पुस्तक का हमें मूल्य ज्ञात करना है। तो सबसे पहले दोस्तों हम जानेंगे कि इस पांच पुस्तक का मूल्य सात पुस्तकों के मूल्य से 72 कम है, मतलब हमें पता चल जाए दोस्तों कि सात पुस्तकों का मूल्य कितना है तो हम उत्तर निकाल सकते हैं। या तो हमें सिंपल सा एक पुस्तक का मूल्य ज्ञात करना, तो दोस्तों उसी पर हमें ध्यान देना चाहिए। तो सबसे पहले दोस्तों मान लेते कि हमने मान लिया कि जो हमारे सात पुस्तक का मूल्य है, माना सात पुस्तक का मूल्य, पुस्तक का मूल्य बराबर दोस्तों है x है, ठीक है, हमने माना सात पुस्तक का मूल्य x रुपए है, लेकिन प्रश्न में क्या बोला गया, अगर पांच पुस्तक का जो मूल्य है ना वो सात पुस्तक के मूल से 72 कम है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे जो आपका होगा पांच पुस्तक का मूल्य, ठीक है, इसको शॉर्टकट लिख रहे हैं, तो ये हो जाएगा दोस्तों आपका x माइनस 72। ये कैसे है दोस्तों आप लोग समझ गए होंगे, इसमें प्रश्न में ही लिखा है, यहाँ पर आप लोग पढ़ लीजिए कि जो पांच पुस्तक का मूल्य है वो सात पुस्तक के मूल्य से 72 रुपए कम है। तो दोस्तों हमने पांच पुस्तक के मूल्य से x में से 72 रुपए और कम कर दिए, तो ये आ गया हमारा पांच पुस्तक का मूल्य। लेकिन दोस्तों हमें निकालना है कितने का, एक पुस्तक का मूल्य निकालना है, तो वो कैसे निकलेगा। अब दोस्तों देखिए हमारा सात पुस्तक का मूल्य पता है, पांच का पता है, अगर इन दोनों को घटा लिया जाए दोस्तों सात और पांच को, तो हमें मिल जाएगा दो पुस्तक का मूल्य। तो दो पुस्तक का मूल्य कैसे निकल सकता है दोस्तों, सात में से पांच गया बचेगा दो ना, सात पुस्तक, तो दो पुस्तक का मूल्य हम निकाल सकते हैं कि सात में से पांच वाले पुस्तक का मूल्य घटा दिया जाए। तो मतलब दोस्तों x में से क्या करेंगे, x माइनस 72 कर देंगे दोस्तों, तो ये आ जाएगा हमारा दो पुस्तक का मूल्य। तो क्या हो जाएगा दोस्तों, ऐसे ब्रैकेट खोलेंगे तो x माइनस x हो जाएगा प्लस का 72। तो दोस्तों हमें यहाँ देखते हैं x x कट गया, बचा सिर्फ 72। तो दोस्तों हमें पता चल चुका है कि दो पुस्तक है जो जिसका मूल्य आता है 72, लेकिन हमें तो निकालना है यहाँ पर दोस्तों एक पुस्तक का मूल्य खाली, तो उसी को हमें ध्यान देना चाहिए कि एक पुस्तक का मूल्य कैसे निकाला जा सकता है। तो दोस्तों दो पुस्तक का मूल्य पता चल गया, तो अब यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि एक पुस्तक का मूल्य कितना हो जाएगा, एक पुस्तक का दोस्तों जो मूल्य होगा वो कितना हो जाएगा दोस्तों, 72/2, ठीक है, तो भाग कर देंगे तो कितना हो जाएगा, दो एक कम दो, दो तीन छः, दो छंग 12, मतलब आगे दोस्तों 36। तो दोस्तों हमें पता चल चुका है कि हमारे एक पुस्तक का मूल्य जो है वो है 36 रुपए, ठीक है, 36 रुपए। तो बस ऐसे ही करना था दोस्तों, ये आसान था क्वेश्चन था, लेकिन आप लोग को थोड़ा समझने वाली बात है, एक नंबर में ऐसा क्वेश्चन पूछा जा चुका है दोस्तों, वो भी आपके 2019 में, जी हाँ दोस्तों इसी साल आपका पूछा गया था ये प्रश्न, लेकिन ऐसे प्रश्न आगे भी पूछे जा सकते हैं आपके पेपर में, तो आपको ध्यान देना चाहिए। तो क्या करना था दोस्तों, इससे इम्पोर्टेंट क्या था इस पूरे क्वेश्चन में, सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये थी कि हमें दोस्तों सबसे पहले हमने जाना कि भाई सात पुस्तक का मूल्य कितना है। मान लिया कि सात पुस्तक का मूल्य हमारा x रुपए है, तो दोस्तों हमने फिर इसमें प्रश्न में बोला गया कि जो पांच पुस्तक का मूल्य वो सात पुस्तक के मूल से 72 रुपए कम है, तो दोस्तों हमने x में से 72 घटा दिया। यहाँ तो दूसरी लाइन दोस्तों सबको समझ में आ गई होगी, पहली लाइन और दूसरी लाइन। अब जो तीसरी लाइन दोस्तों है कि हमने कैसे पता चला, दोस्तों देखिए हमें सात पुस्तक का मूल्य पता है और पांच का पता है, अगर हम दोस्तों सात में से पांच घटाते हैं, सात में से पांच घटा देंगे दोस्तों क्या आएगा, दो आएगा। तो दोस्तों हमने घटा के निकाला दो पुस्तक का मूल्य, यहाँ पर घटाया ना, देखिए सात में का पुस्तक का मूल्य था एक्स रुपए, तो यहाँ एक्स लिया और एक्स माइनस 72 घटा दिया, तो हमें दोस्तों यहाँ से पता चला कि हमें दो पुस्तक का मूल्य पता चल गया 72 रुपए, एक पुस्तक का मूल्य निकालने के लिए दोस्तों 72/2 कर दिया, आ गया 36 रुपए। तो दोस्तों यही आपका उत्तर था इस क्वेश्चन के लिए। अब देखते हैं आज का अगला प्रश्न।
दोस्तों तो 26 नंबर प्रश्न क्या रहा आपका कि तीन क्रमागत संख्याओं का योग आपका दे रखा है 87। तो द्वितीय क्रमागत संख्या का मान हमें क्या करना है, ज्ञात करना है। तो दोस्तों सबसे पहले हम मान लेते हैं कि तीन क्रमागत संख्या कौन कौन सी। पहली मानते हैं दोस्तों एक्स है, दूसरी एक्स प्लस वन है और तीसरी दोस्तों एक्स प्लस टू है। दोस्तों तीन क्रमागत का मतलब होता है तीनों बिल्कुल सीरियल से हो, ठीक है। तो दोस्तों क्या बोला गया, इसका क्या है योग है 87। तो दोस्तों मान लिया हमने संख्या, तो मान ली इसको आप योग कर देते हैं एक्स, एक्स प्लस वन, फिर आपका एक्स प्लस टू बराबर आ जाएगा दोस्तों आपका 87, 87। इसको जोड़ लेते हैं दोस्तों, एक्स कितनी बार, एक दो तीन, तीन बार एक्स है तो यहाँ आ जाएगा तीन एक्स। दोस्तों फिर जोड़ते हैं, ये दोस्तों क्या था प्लस वन प्लस का टू कितना हो गया दोस्तों, तीन हो गया, थ्री एक्स प्लस थ्री बराबर 87, ठीक है। अब क्या करेंगे दोस्तों, तीन को उस पक्ष में लेके जाते हैं राइट हैंड में, 87 माइनस थ्री हो जाएगा दोस्तों, आ जाएगा 3x बराबर आ गया आपका 84, 84। अब दोस्तों x से भाग कर देंगे तीन से, मतलब 84 बटे 3 कितनी बार जाएगा, तीन एक तीन दूनी छः और दो और चार बचे तीनों अठे 24। तो दोस्तों हमें पता चल गया x की वैल्यू आ गई 24। दोस्तों मतलब ये आपकी जो x की वैल्यू आई है ना, ये पहली क्रमागत संख्या है, ठीक है। ये पहली संख्या है, ये पहली वाली है, ये दूसरी एक्स प्लस वन है और एक्स प्लस टू तीसरी है। हमें प्रश्न में पूछा गया कि द्वितीय क्रमागत संख्या का मान होगा, तो द्वितीय निकालने के लिए दोस्तों हमें क्या पता होना चाहिए, एक्स प्लस वन, ठीक है। तो दोस्तों हमें यहाँ पर पता चल चुका है एक्स की वैल्यू 24 है, तो 24 प्लस वन कर देंगे दोस्तों। एक मिनट, यहाँ पर हमने कितना आया था, तीन अठे 24 होता है ना, तो यहाँ पर आएगा 24 नहीं 28। दोस्तों देखिए हमने यहाँ पर भाग में 28 ही लिखा था, लेकिन देखिए ये छोटी छोटी मिस्टेक्स होती हैं, तो इससे आपको भी कुछ सीखना चाहिए कि हम लोग जल्दबाजी में कुछ गलती कर सकते हैं, तो आप लोग को भी पेपर में बचना पड़ेगा दोस्तों ऐसी छोटी छोटी गलती होते हैं कि सॉल्व तो पूरा सही करेंगे लेकिन लास्ट में उत्तर हमारा गलत आ जाएगा। तो यहाँ हो जाएगा 21 प्लस 1 29, 29 आपका दोस्तों हो जाएगा उत्तर। तो आप लोग भी छोटी मोटी गलतियाँ करेंगे तो दोस्तों उसको आप लोग डबल चेक कर सकते हैं, जल्दबाजी में छोटी गलतियाँ होती हैं। तो ये सवाल हमने देख लिया, ठीक है। तो हमारी पहली क्रमागत संख्या दोस्तों थी 28, दूसरी आ गई 29। अगर दोस्तों हमें तीसरी क्रमागत संख्या पूछा गया होता तो हमें क्या निकालना होता है, एक्स प्लस थ्री। तो आपको तीसरी भी क्रमागत संख्या हम निकाल देते हैं जो आपके पेपर में पूछा नहीं गया है लेकिन आने वाले टाइम में पूछा जा सकता है। तो यहाँ से एक्स प्लस टू निकालते दोस्तों हम लोग सीधे, एक्स की वैल्यू थी हमारी 28 प्लस टू, 28 दो होता है आपका 30, ये आपका उत्तर होता है। लेकिन पूछा जाता था, लेकिन हमारा फाइनल आंसर यही होगा, द्वितीय क्रमागत संख्या पूछा गया था, तो 29 पर करके खत्म करेंगे। अब देखते हैं दोस्तों आज का अगला प्रश्न। दोस्तों तो 27 नंबर प्रश्न क्या रहा कि एक आयत की लंबाई आपको दे रखी है 10 सेंटीमीटर तथा चौड़ाई आपकी 6 सेंटीमीटर है, तो आयत का परिमाप आपको क्या करना है, ज्ञात करना है। तो दोस्तों चलिए एक आयत बना लेते हैं आपके सामने तुरंत ही। तो एक आयत ना दोस्तों, एक हमने ऐसा आयत बना लिया, प्रश्न में क्या बोला गया दोस्तों, आयत की लंबाई हमें दे रखी है 10 सेंटीमीटर, ठीक है। तो लंबाई ऊपर भी 10 होगी तो नीचे भी 10 ही होगी, और चौड़ाई दे रखी है दोस्तों हमें 6 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर इधर और 6 सेंटीमीटर इधर। तो दोस्तों हमें प्रश्न में क्या करना है, इसका आयत का हमें परिमाप निकालना है। तो आयत का परिमाप का फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों, 2 गुणे लंबाई प्लस चौड़ाई दोस्तों, ठीक है, लंबाई प्लस चौड़ाई, एक ब्रैकेट में छोटे में रखेंगे दोस्तों नहीं तो गलती हो जाएगी आपसे। तो 2 का गुणा करेंगे दोस्तों, तो 2 गुणे लंबाई दोस्तों हमें कितनी दे रखी है, यहाँ पर देख लिया हमने 10 दे रखी है और चौड़ाई दोस्तों हमारी है 6। तो परिमाप का मतलब दोस्तों सब कुछ होता है, ये ऊपर वाला हिस्सा, ये सब कुछ कवर होता है, ठीक है। तो 2 गुणे में दोस्तों 10 प्लस 6 कितना हो गया, 16 हो गया। तो दोस्तों 16 गुणे 2 कितना हो गया आपका, 32 सेंटीमीटर, ठीक है, 32 सेंटीमीटर, ये आपका हो जाएगा दोस्तों इसमें उत्तर। हमें क्या पूछा गया था, आयत का परिमाप ज्ञात कीजिए बस, और इसका क्षेत्रफल दोस्तों पूछा जाता तो होता है लंबाई गुणे चौड़ाई, लेकिन पूछा नहीं गया प्रश्न में, तो ज्यादा कुछ नहीं करेंगे। तो हम आयत का परिमाप हमने निकाल लिया 32 सेंटीमीटर होता है, तो ये क्वेश्चन खत्म होता है। अब देखते हैं आज का अगला प्रश्न दोस्तों। तो आपका 28 नंबर प्रश्न क्या रहा कि एक बर्तन में 7800 घन सेंटीमीटर पानी है, तो बर्तन में कितने लीटर कुल पानी है ये बताना है आपको। तो दोस्तों आपको सबसे पहले पता होना चाहिए कि 1 लीटर में कितने घन सेंटीमीटर होते हैं। तो 1 लीटर बराबर, लीटर बराबर आपका होता है दोस्तों 1000 घन सेंटीमीटर, ठीक है, 1 लीटर बराबर आपका दोस्तों होता है 1000 घन सेंटीमीटर। तो दोस्तों आपका क्या हो जाएगा, 1000 घन सेंटीमीटर बराबर कितना हो जाएगा दोस्तों, ठीक है, उल्टा लिख रहे हैं इस बार, 1000 घन सेंटीमीटर बराबर दोस्तों हम लिख सकते हैं 1 लीटर के, है ना। तो दोस्तों अगर हम पूछा जाए, बात करें यहाँ पर कि 1 घन सेंटीमीटर बराबर क्या होगा, 1 घन सेंटीमीटर बराबर हो जाएगा आपका 1/1000 लीटर। दोस्तों बात हो रही है 1 घन सेंटीमीटर की, ठीक है,
इतना लीटर हो गया। अब लेकिन प्रश्न में पूछा गया था कि 7800 घन सेंटीमीटर को हमें लीटर में बदलना है, तो दोस्तों यहाँ पर अगर हम 7800 करेंगे 7800, ठीक है दोस्तों, तो घन सेंटीमीटर बराबर क्या हो जाएगा, घन सेंटीमीटर पानी जो भी है, क्या दोस्तों यहाँ पर पानी है ना, पानी है ना, तो इतना पानी बराबर हो जाएगा आपका, बस इसको सिंपल सा दोस्तों इसमें गुणा कर देना और कुछ नहीं करना है। तो ऐसे लिख सकते हैं दोस्तों 1/1000 गुड़े में 7800, ठीक है, बस दो जीरो से यहाँ दो जीरो कट गया, ऊपर बचा दोस्तों आपका 78 और नीचे बचेगा दोस्तों आपका 10, बस दोस्तों इसको भाग कर लेंगे तो कितना आ जाएगा 7.8 लीटर, ठीक है, ये आपको उत्तर हो जाएगा। इतना ही करना था आपको, यहाँ पर भी ऐसे लिख सकते हैं LIT, LIT का मतलब भी होता है दोस्तों लीटर, या हिंदी में लिख सकते हैं, तो थोड़ा बहुत आप लोग अंग्रेजी भी लिखना सीखिए। तो दोस्तों यहाँ इस प्रश्न को इतना ही करना था, कुछ नहीं था, लेकिन देखिए क्वेश्चन में कैसे समझना था, बर्तन में कितने लीटर पानी है आपको ये बताना है, लेकिन आपको ये नहीं पता है दोस्तों कि 1 लीटर में कितने घन सेंटीमीटर है, तो आपको दिक्कत हो जाएगी। अगर आपको ये पता होगा दोस्तों कि 1 लीटर में होता है 1000 घन सेंटीमीटर, तो आपको पता चल गया कि 1000 घन सेंटीमीटर बराबर है आपका 1 लीटर के, तो आपका 1 घन सेंटीमीटर बराबर होगा आपका 1/1000 लीटर के। तो दोस्तों आपका 7800 घन सेंटीमीटर का मतलब होगा इसको 7800 से गुणा कर देंगे, जो आएगा वही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। तो हमारा उत्तर आ रहा है 7.8 लीटर, कितना आ रहा है 7.8 लीटर, ये आपका उत्तर आ रहा है। तो ये भी दोस्तों प्रश्न आपके 2019 में पेपर में पूछा जा चुका है, तो आपका क्वेश्चन कैसे पूछे जा रहे हैं ये भी आपको पता होना चाहिए, तभी आप लोग अच्छे नंबर ला पाएंगे। अब देखेंगे आज का अगला प्रश्न दोस्तों, तो 29 नंबर प्रश्न क्या रहा आपका कि सर्वसमिका का प्रयोग करके 51² का मान ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों कैसे सर्वसमिका का प्रयोग करते हैं, आइए देखते हैं, हमें निकालना है 51² की वैल्यू क्या होगी। तो सबसे पहले दोस्तों हम इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, 50+1 का होल स्क्वायर, ठीक है दोस्तों, इसको सॉल्व कर लेते हैं, बस ये इसका उत्तर आ जाएगा। 50 का स्क्वायर दोस्तों सबसे पहले ए स्क्वायर होता है, फार्मूला में रखते हैं ए स्क्वायर प्लस का दोस्तों बी स्क्वायर, 1 का स्क्वायर प्लस का 2 × a × b होता है, 2, ए की वैल्यू दोस्तों है आपकी 50 और बी की वैल्यू 1, तो क्या हो जाएगा 50 का स्क्वायर दोस्तों होता है 2500, 5 का स्क्वायर 25 और 001 प्लस दोस्तों 50 × 2 कितना होता है दोस्तों 100, जोड़ लेते हैं दोस्तों कितना हो जाएगा 2501 हो जाएगा, पहले इसको जोड़ते हैं, फिर आएगा दोस्तों आपका 100, अब फिर जोड़ते हैं दोस्तों कितना आ जाएगा 2601। तो दोस्तों यही आपका हो जाएगा उत्तर, सर्वसमिका का हमने प्रयोग करके इसको हल कर दिया है, तो ये दोस्तों आपका उत्तर हो गया 2601। अब देखते हैं दोस्तों आज का अगला प्रश्न दोस्तों, तो 30 नंबर प्रश्न क्या रहा आपका कि 2x+1 = 2x+2 बराबर सर्वसमिका है अथवा नहीं, ये आपको बताना है। तो दोस्तों चलिए हम लोग एक बार वैल्यू रख के देखते हैं कि सर्वसमिका होने के लिए दायां पक्ष और बायां पक्ष बराबर होना चाहिए। एक्स बराबर दोस्तों अगर हम 1 रखते हैं तो पहले में क्या होगा दोस्तों, क्या होगा 2, यहाँ पर दोस्तों एक्स ये 1 लिखेंगे, 1+1 दोस्तों आपका दायां पक्ष क्या है 2 × x है ना, 2 × a + 2 दोस्तों क्या हो जाएगा अंदर 2, वो 1 जोड़ देंगे 2 होगा दोस्तों, 2 × 2 हो गया, यहाँ पर ये हो गया दोस्तों 2+2 दोस्तों, 2 × 2 करेंगे 4 आएगा और 2+2 4 आ गया, मतलब आपका बायां पक्ष ये इसको बोलते हैं LHS, लेफ्ट हैंड साइड बराबर RHS, अगर दोस्तों इस बार चलिए x = 1 रख के देख लिया, अब चलिए x = 2 रख के भी देख लेते हैं कि यार इसमें भी सही होता है कि नहीं होता है। 2x+1 है, पहले यहाँ पर आपका इक्वेशन लिख लेते हैं 2x+1 = 2x+2, ठीक है, इसमें वैल्यू रखनी है, x = 2 रखेंगे दोस्तों सबसे पहले, तो x की जगह यहाँ पर 2 रखेंगे, यहाँ पर भी 2 रखेंगे, तो 2 फिर 2+1 हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर, और यहाँ पर दोस्तों क्या होगा 2 × x = 2 में 2 रखना है प्लस का 2, दोस्तों जोड़ लेते हैं 2 आ जाएगा दोस्तों, 2 × 1 = 3 हो गया दोस्तों, यहाँ जोड़ने पर आ गया, और दोस्तों 2 × 2 कितना हो गया 4 और प्लस का 2, ठीक है दोस्तों, यहाँ 2 और 3 लिखा है ना, 2 × 3 लिखा, तो 3 × 2 = 6 और 4 × 2 = 6, तो दोस्तों हमें फिर से देखा कि दायां पक्ष और बायां पक्ष बराबर आ रहा है, LHS बराबर हो रहा है दोस्तों आपका RHS। तो दोस्तों अब इसका हम लोग क्या बोलेंगे, सर्वसमिका है या नहीं, जी हाँ दोस्तों बिल्कुल, अगर दोनों बार पक्ष आपके बराबर आ रहे हैं तो ये आपके एक सर्वसमिका है, तो इसका आंसर होगा हाँ भाई, जी हाँ ये सर्वसमिका है, इसको उत्तर कर देंगे खत्म, ठीक है। आप देखते हैं दोस्तों आज का अगला प्रश्न, तो 30 नंबर प्रश्न समझ में आ गया होगा आपके, अगर कभी भी ऐसा प्रश्न पूछा जाए सर्वसमिका है कि नहीं, तो आप एक्स की वैल्यू पुट करके भी सॉल्व कर सकते हैं। अब देखते हैं आज का अगला प्रश्न दोस्तों, 31 नंबर प्रश्न क्या रहा आपका कि x-4 x+7 का गुणनफल ज्ञात करें। दोस्तों गुणनफल का मतलब क्या होता है, सिंपल सा गुणा ही ज्ञात करना है ना आपको, क्या x-4 अच्छा तो लिखते हैं x-4
और दोस्तों क्या आपका x प्लस का 7। सिंपल सा गुणा कर लेंगे, जो आएगा ये उत्तर हो जाएगा। दोस्तों अगर x का गुणा पहले x से करेंगे तो क्या हो जाएगा, x का स्क्वायर माइनस x का गुणा 4 से करेंगे तो हो जाएगा माइनस का 4x, प्लस का दोस्तों 7 का गुणा x से करेंगे तो 7 इंटू x आ जाएगा, प्लस का दोस्तों क्या होगा 7 गुणे 4, मतलब यहाँ माइनस हो जाएगा 7 चौके 28, ठीक है, क्योंकि माइनस का 4 है ना। सॉल्व कर लेते दोस्तों क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर आ जाएगा, ये दोस्तों क्या हो गया 7x से 4x कटेगा तो क्या बचेगा 3x बचेगा, प्लस का माइनस का 28। तो दोस्तों बस यही आपका उत्तर हो गया, इतना ही आपको करना था, गुणनखंड करना था, गुणा करना था, ठीक है ना। अब चलिए दोस्तों देखते हैं आज का अगला प्रश्न। दोस्तों तो एक इक्वेशन लिया हमने, इसको आपको हल करना है, ठीक है। x प्लस 1 बराबर 2 को हल कीजिए, आपको देखने में तो बहुत आसान लग रहा होगा, x प्लस 1 बराबर 2 हल कर दीजिए। तो दोस्तों आसान क्वेश्चन भी हमने ले रखा है कि x बराबर क्या हो जाएगा, दोस्तों यहाँ सिंपल था 2 माइनस 1 तो x बराबर हो जाएगा 1। जी हाँ दोस्तों हमने आसान प्रश्न इसलिए ले रखा है कि आपके अच्छे नंबर भी आने चाहिए। तो टोटल क्वेश्चन आप लोग दोस्तों काउंट कर रहे होंगे कि आप हर प्रश्न के सही उत्तर के एक नंबर दे रहे होंगे। तो आप देखते हैं आज का अगला प्रश्न। दोस्तों तो 33 नंबर प्रश्न क्या रहा आपका कि एक घन की कोर 14 सेंटीमीटर है तो उसका आयतन हमें ज्ञात करना है। तो दोस्तों हमें घन का आयतन निकालने के लिए घन का आयतन का फॉर्मूला होता है भुजा का क्यूब, ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं घन का आयतन, घन का आयतन आयतन बराबर दोस्तों ऐसे लिख सकते हैं a का क्यूब। तो बस हो गया सॉल्व खत्म। दोस्तों हमें एक घन का कोर दे रखा है, दोस्तों क्या दे रखा है 14, तो 14 का हमें क्या करना है क्यूब करना है, तो बस 14 × 14 × 14। जिसको जिन बच्चों को याद होगा दोस्तों वो तो बहुत अच्छी बात है, और जिन बच्चों को नहीं याद है 14 का क्यूब क्या होता है वो सिंपल सा गुणा करेंगे, 14 × 14 होता है 196 और गुणे फिर से 14 कर देंगे दोस्तों कितना आ जाएगा 2744, ठीक है, घन सेंटीमीटर। तो दोस्तों हमें याद था वैसे, लेकिन हमने सोचा कि आपको एक एक स्टेप करके दिखा दिया जाए, तो आप लोग भी याद करके रखिएगा दोस्तों। अब देखेंगे आज का अगला प्रश्न। देखिए ऐसे क्वेश्चन आते हैं पेपर में, काफी आसान रहते हैं लेकिन आप लोग कर सकते हैं। घन की कोर पूछे दे रखा दिया रहेगा दोस्तों, मतलब जैसे क्वेश्चन में आपको घन का कोर दे देगा और बोलेगा उसका आयतन ज्ञात करो, तो हमें आयतन ज्ञात करने का फॉर्मूला पता होना चाहिए कि घन का आयतन होता है भुजा का क्यूब a का क्यूब, बस वैल्यू रख देंगे, क्वेश्चन खत्म। अब देखते हैं आज का अगला प्रश्न। तो दोस्तों 34 नंबर प्रश्न क्या दे रखा कि यदि एक समचतुर्भुज के विकर्ण 26 सेंटीमीटर और 12 सेंटीमीटर है तो समचतुर्भुज का हमें क्या बताना है, क्षेत्रफल बताना है। तो ये कैसे होगा दोस्तों, अगर कभी दोस्तों समचतुर्भुज के विकर्ण दे रखे तो इसका क्षेत्रफल का फार्मूला होता है 1/2 गुणे दोस्तों विकर्णों का गुणनफल होता है, क्या होता है आपका विकर्णों का गुणनफल, ठीक है, विकर्णों का गुणनफल होता है इसका फार्मूला। तो ऐसे कर सकते हैं, तो दोस्तों ये फार्मूला होता है समचतुर्भुज के क्षेत्रफल का, तो 1/2 विकर्णों का गुणनफल दोस्तों क्या हो जाएगा आपका 26 गुणे में 12, तो दोस्तों 2 × 2 = 2, 2 × 12, ठीक है, 6 × 26 कर देंगे, यही आपका उत्तर आ जाएगा 26 × 6 कितना आ जाएगा दोस्तों 6 × 36 = 6, 6 × 12 = 15, 156 वर्ग सेंटीमीटर ऐसे लिख सकते हैं दोस्तों, ठीक है, सेंटीमीटर में था तो दोस्तों वर्ग सेंटीमीटर लिखेंगे या सेंटीमीटर स्क्वायर भी लिख सकते हैं, तो ये आपका हो जाएगा दोस्तों उत्तर हो जाएगा। तो दोस्तों ऐसे प्रश्न पेपर में पूछे जाते हैं तो आप लोग को तैयार रखना चाहिए कि समचतुर्भुज का कोई सवाल आएगा तो आपको कैसे करना है, ये सब बातें आपको पता होनी चाहिए। दोस्तों तो 35 नंबर प्रश्न क्या रहा आपका कि यदि किसी त्रिभुज का आधार अगर 32 मीटर हो और ऊंचाई 12 मीटर है तो उसका हमें क्षेत्रफल ज्ञात करना है, तो इसको कैसे कर सकते हैं आइए देखते हैं। तो दोस्तों त्रिभुज का क्षेत्रफल का फार्मूला हमें पता है कि क्या होता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल, ठीक है, 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई होता है दोस्तों, ठीक है, ये होता है फार्मूला सिंपल सा, तो यहाँ पर इसकी वैल्यू रख देंगे 1/2 आधार की जगह दोस्तों क्या रखेंगे 32 और ऊंचाई की जगह रखेंगे दोस्तों 12, तो 2 × 2 = 2, 2 × 12 होगा, ठीक है दोस्तों 6 × 32 कर लेंगे, जो आएगा वही उत्तर होगा 32 × 6, 6 × 12, 6 × 3 = 18, 1 × 19, तो मतलब 192। तो लेकिन ये किस में आएगा दोस्तों, मीटर में दे रखा है ना, तो यहाँ पर इसका आएगा या तो वर्ग मीटर लिख दीजिए दोस्तों या तो मीटर स्क्वायर लिख दीजिए, जो भी मन करे आपका, वर्ग मीटर इसका इकाई होगा, यूनिट होगा, यही आपका उत्तर हो गया दोस्तों। तो हम इसका क्षेत्रफल हमने निकाल लिया कि त्रिभुज का हमें अगर आधार दे रखा है, ऊंचाई दे रखा है, तो इसका क्षेत्रफल ऐसे निकाला जा सकता है। अब देखते हैं आज का अगला प्रश्न। दोस्तों तो 36 नंबर प्रश्न क्या रहा आपका कि 9x² - 64 के गुणनखंड कीजिए, ठीक है, आपको इसमें गुणनखंड करके बताना है क्या होगा, क्वेश्चन क्या है 9x² - 64, ठीक है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, ये देखिए
इसको हम लिख सकते हैं दोस्तों 3x का होल स्क्वायर, ठीक है। और 64 का क्या होता है, 8 का स्क्वायर होता है ना, 8 8 64। तो दोस्तों हमने एक फार्मूला पढ़ रखा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, जो कि होता है दोस्तों ए प्लस बी और होता है आपका ए माइनस बी। बस इस फार्मूले में दोस्तों हम लोग वैल्यूज को पुट कर देंगे, बस यही आपका उत्तर आ जाएगा। तो चलिए वैल्यू पुट करते हैं, ए प्लस बी यहां से 3x प्लस 8 हो जाएगा दोस्तों, और दूसरा हो जाएगा आपका 3x माइनस 8, ठीक है। बस यही आपका उत्तर हो जाएगा, इतना ही करना था आपको। सिंपल सा क्वेश्चन था दोस्तों, ऐसे क्वेश्चन पेपर में पूछे जाते हैं, तो आप लोग को तैयार रखना है कि अगर गुणनखंड का कोई क्वेश्चन आएगा तो आपको क्या करना होगा। देखिए देखने में आसान लग रहा था, लेकिन आपको इसको तोड़ेंगे कैसे, ये भी महत्वपूर्ण है। तो छोटी छोटी चीजों का आपको ध्यान रखना चाहिए। आप देखते हैं आज का अगला प्रश्न दोस्तों। तो 37 नंबर प्रश्न क्या रहा आपका, कि ए बी प्लस ए सी प्लस ए डी के गुणनखंड कीजिए। तो चलिए दोस्तों गुणनखंड कर देते हैं फिर से। क्वेश्चन क्या है आपका, ए बी प्लस ए सी प्लस आपका है ए डी। दोस्तों इसमें आपको देखिए खाली कॉमन क्या, बस उतना कर दीजिए, क्वेश्चन खत्म। सब में ए ए दिख रहा है ना, तो बस दोस्तों आप लोग ए को कॉमन ले लेंगे, बचेगा क्या आपका बी प्लस सी प्लस का डी। ये दोस्तों आपको उत्तर हो जाएगा, बी प्लस सी प्लस डी, बस। और इसमें ज्यादा कुछ कर नहीं सकते हैं, तो इतना करके दोस्तों क्वेश्चन को खत्म करेंगे। आप देखेंगे आज का अगला प्रश्न दोस्तों। तो आपका 38 नंबर प्रश्न क्या रहा, कि दो संख्याओं का अनुपात अगर 5:3 है तो इसमें प्रथम पद तथा द्वितीय पद बताना था। तो दोस्तों कैसे आपको आंसर इसमें देना, खाली आपको सिर्फ प्रथम पद और द्वितीय पद बताना है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, आप लोग दोस्तों खाली ये लिख देंगे इसमें। आप सोच रहे होंगे इतना आसान प्रश्न पूछा जाता है कि नहीं, जी हाँ दोस्तों ऐसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं, इसलिए हमने बताया आपको। खाली आपको दोस्तों यहाँ लिखना है कि प्रथम पद क्या होगा, और दोस्तों लिखना होगा कि आपका द्वितीय पद क्या होगा। आप लोग बीटीसी द्वितीय सेमेस्टर में, ये भी अच्छी बात है, तो यहाँ पर लिखेंगे प्रथम पद और द्वितीय पद। तो प्रथम पद हो जाएगा दोस्तों 5 और द्वितीय पद हो जाएगा 3, बस यही आपका उत्तर हो जाएगा, 5 और 3, यही इतना लिखना था। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग ने ये सही उत्तर दिया होगा। अब देखते हैं आज का अगला प्रश्न दोस्तों। तो 39 नंबर प्रश्न क्या रहा आपका, कि दो परिमेय संख्याओं पी क्यू तथा आर क्यू का योगफल क्या होगा, ये आपको बताना है। ये आसान सा क्वेश्चन है, इसको लिख सकते हैं दोस्तों पी अपान क्यू प्लस आर अपान क्यू का आपको दोस्तों योगफल बताना है। बस हो गया दोस्तों खत्म, बस ऐसे लिख दीजिए दोस्तों इसको, आपको पी प्लस आर अपान क्यू, इतना ही करना था दोस्तों। ऐसे क्वेश्चन भी पेपर में पूछे जा सकते हैं, बिल्कुल बेसिक है, हम आपको समझा रहे हैं। लेकिन दोस्तों हमने शुरुआत में आज के जो क्वेश्चन शुरुआत के थे वो बहुत ही अच्छे लेवल के थे, लेकिन हम चाह रहे थोड़े आसान क्वेश्चन भी आपको आने चाहिए, जिससे कि पेपर में अगर पूछा जाता है कुछ तो आपका मन और दिमाग काफी तेजी से चल सके। अब देखते हैं आज का अगला प्रश्न दोस्तों। तो 40 नंबर प्रश्न क्या रहा आपका, कि 3 और 4 को अनुपात में व्यक्त कीजिए। बिल्कुल आसान था क्वेश्चन दोस्तों, बस आपको इतना लिखना था 3 और अनुपात 4, बस ये आपका उत्तर हो गया। 3 और 4 को अनुपात में व्यक्त करना था, 3 अनुपात 4 क्या लिखना था, बस ऐसे 3 अनुपात 4, बस हो गया आपका उत्तर, इतना ही आपको करना था दोस्तों। तो ये कितना आसान क्वेश्चन था, लेकिन हम चाहते हैं दोस्तों आप लोग की प्रैक्टिस होती रहे। अब देखेंगे आज का अगला प्रश्न दोस्तों। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने का सूत्र आपको बताना है, ठीक है। त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने का सूत्र बताइए। तो क्या होता है दोस्तों त्रिभुज का क्षेत्रफल, ऐसे लिखेंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर दोस्तों क्या होता है, 1/2 आधार गुणे ऊंचाई, ठीक है। बस आपको इतना ही बताना था इस क्वेश्चन में कि त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने का सूत्र बताइए दोस्तों। देखिए ऐसे अति लघुत्तरी में एक एक नंबर में ऐसे क्वेश्चन बन सकते हैं, तो आप लोग को ये छोटी छोटी चीज पता होनी चाहिए। अब देखते हैं आज का अगला प्रश्न दोस्तों। तो 42 नंबर प्रश्न क्या रहा आपका, कि वर्ग क्या है, इसका क्षेत्रफल ज्ञात करने का सूत्र बताइए। तो दोस्तों वर्ग कैसा होता है, पहले इसको हम आपको बना के दिखा देते हैं। एक वर्ग दोस्तों देखिए, वर्ग वो होता है जिसकी चारों भुजाएं बराबर होती हैं। अगर मान लेते ये भुजा आपकी ए है, तो ये भी आपकी ए होगी, ये भी आपकी ए होगी, ए फॉर एप्पल वाला दोस्तों ए है, ठीक है। ये आपकी कुछ और लग रही ना, इसको भी अच्छा सा बना लेते हैं, ए फॉर एप्पल। तो चारों भुजाएं आपकी दोस्तों समान होनी चाहिए। तो वर्ग क्या होती है, जिस चारों भुजाओं से घिरी ऐसी आकृति जिसकी चारों भुजाएं समान हो तथा प्रत्येक कोण समकोण होना चाहिए दोस्तों। ये कोण आपका दोस्तों 90 अंश होना चाहिए, प्रत्येक कोण समकोण, ये भी 90 अंश, ये भी 90 अंश। बस आप लोग ऐसे पेपर में आप लोग बना के लिख दीजिएगा, जिसका प्रत्येक कोण 90 अंश होना चाहिए और चारों भुजाएं समान तथा प्रत्येक कोण 90 अंश हो। और इसका क्षेत्रफल ज्ञात करने का फार्मूला आपको बताना है। तो क्षेत्रफल क्या हो जाएगा दोस्तों, सिंपल सा भुजा का स्क्वायर होता है फार्मूला, भुजा का स्क्वायर। यहाँ पर ए हमने माना, तो ए का स्क्वायर हो जाएगा दोस्तों। अब बात करेंगे परिमाप क्या होगा, तो परिमाप, परिमाप बराबर दोस्तों क्या होगा, 4 गुणे भुजा, ठीक है। और भुजा दोस्तों हमें क्या मान रखा है, 4 इंटू ए, ए फॉर एप्पल, ये हो जाएगा। तो ये ए स्क्वायर है,
भुजा स्क्वायर, ठीक है ना। अब देखते हैं आज का अगला प्रश्न दोस्तों, तो 43 नंबर प्रश्न क्या रहा कि आयत किसे कहते हैं, इसका क्षेत्रफल तथा परिमाप ज्ञात करने का सूत्र बताइए। तो दोस्तों बात आ गई आयत की, तो चलिए आयत एक बना लेते हैं, ठीक है दोस्तों। ये एक आपके सामने एक आयत बन चुका है। अगर मान लेते हैं दोस्तों ये भुजा ए है, ये वाली भुजा भी ए है, और ये वाली भुजा दोस्तों बी है, बी पर बॉय, इधर से भी बी है, ठीक है। तो कुछ ऐसा आयत होता है, आयत वो होता है दोस्तों, आयत एक चार भुजाओं की आकृति है जिसके आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है तथा दोस्तों प्रत्येक कोण 90 अंश होता है। इसमें क्या होता है दोस्तों, आमने और सामने की भुजाएं बराबर होती है और प्रत्येक कोण इसमें भी 90 अंश ही होता है, 90 90, यहाँ भी 90 दोस्तों, यहाँ भी 90, चारों कोण इसका 90 अंश का होगा और आमने सामने, जैसे ए ए बराबर है दोस्तों और बी वाली भुजा बी के बराबर है, ठीक है। बात आती है दोस्तों इसका क्षेत्रफल और परिमाप क्या होता है, उसको देख लेते हैं। आयत का क्षेत्रफल का फार्मूला दोस्तों होता है नॉर्मली लंबाई गुणे चौड़ाई, जी हाँ दोस्तों, लंबाई गुणे चौड़ाई, ऐसे इसका फार्मूला होता है। इसका क्षेत्रफल निकालना है। अगर दोस्तों इसका परिमाप पूछ लिया जाता है उसको भी जान लीजिए आप लोग, परिमाप बराबर क्या होता है आयत का, जैसे वर्ग का होता था 4 गुणे भुजा, तो दोस्तों इसका होता है 2 ब्रैकेट के अंदर होगा दोस्तों लंबाई प्लस का चौड़ाई, जी हाँ दोस्तों, बस इतना करना है आपको। आयत का आपका परिमाप पता चल चुका है ये है, और दोस्तों आपका आयत का क्षेत्रफल भी पता चल चुका है, लंबाई गुणे चौड़ाई। तो इतना चीजें होती है आयत के बारे में, इतनी चीजें आपको पता होनी चाहिए। अब देखते हैं आज का अगला प्रश्न दोस्तों, तो 44 नंबर प्रश्न क्या रहा कि प्राकृतिक संख्या क्या है। तो दोस्तों बस सिंपल से ये समझ लीजिए, गिनने के लिए प्रयुक्त होने वाली संख्या है प्राकृतिक संख्या होती है, और इनकी शुरुआत होती है 1 2 3 4 5, ठीक है, आगे अप टू 100 बढ़ते चली जाती है, लेकिन दोस्तों 0 नहीं होती प्राकृतिक संख्या, याद रखिएगा, जो कि जिसमें 0 इन्वॉल्व ना हो। 0 इसलिए नहीं होती दोस्तों क्योंकि 0 की खोज आर भट्ट ने की थी, और प्राकृतिक संख्या दोस्तों आप लोग ऐसे याद कर सकते हैं जो आपको भगवान ने दी हो, जी हाँ दोस्तों, ये खाली ऐसे काल्पनिक है, इसको याद मत करिएगा, लेकिन दोस्तों इसलिए याद रखने से ये फायदा होगा आपको, एक चीज पता चल जाएगी कि आर्यभट्ट ने 0 की खोज की थी तो प्राकृतिक संख्या में 0 नहीं आएगा, बस इतना याद रखना दोस्तों। तो प्राकृतिक संख्या में 0 को आपको नहीं लिखना है, 1 2 3 4 5 स्टार्ट करेंगे, ठीक है। अब देखते हैं आज का अगला प्रश्न दोस्तों, तो 45 नंबर प्रश्न हमने क्या लिया कि सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या क्या है। तो दोस्तों आप लोग का कंफ्यूजन दूर करने के लिए हमने ये प्रश्न लिया है, तो इसका उत्तर क्या होगा आप लोग बताइए। जी हाँ दोस्तों, इसका उत्तर हो जाएगा 1। सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या होती है आपकी 1। जी हाँ दोस्तों, 1 हिंदी में भी लिख दिया, ऐसे भी लिख सकते हैं, जैसे मन करे आप लिख दीजिए, उत्तर आएगा 1। तो सबसे छोटी हमारी प्राकृतिक संख्या क्या होती है, सीधे एक डंडी खींचेंगे बोलेंगे 1 1, ठीक है। अब देखते हैं आज का अगला प्रश्न दोस्तों, तो 46 नंबर प्रश्न क्या रहा आपका कि अभाज्य संख्या किसे कहते हैं। तो हमने आपको पहले बताया था अभाज्य संख्या वे संख्या होते हैं जो केवल एक तो एक से कटनी चाहिए और स्वयं से कटनी चाहिए। स्वयं का मतलब दोस्तों क्या होता है, चलिए पहले अभाज्य संख्या हम दिखा देते हैं। अगर हम बोलते हैं 5, ये अभाज्य संख्या कैसे, ये पहले 1 से कटती है और ये 5 से कटती है। अगर दोस्तों हम बात करें 37, तो दोस्तों ये 1 से कटती है और 37 से ही कटेगी, मतलब स्वयं से कट रही है। तो अभाज्य संख्या वो संख्या होती है दोस्तों जो केवल 1 से कटे और स्वयं से। अगर अब बात की जाए कि 1 क्या है, अभाज्य संख्या है या भाज्य संख्या की क्या है, तो दोस्तों 1 ना तो भाज्य है दोस्तों, ना ही अभाज्य संख्या है, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन आपको पेपर में देखने को मिल सकते हैं, तो आप लोग याद रखिएगा, 1 ना तो भाज्य ना तो अभाज्य, और अभाज्य संख्या की परिभाषा आ सकती है, तो आप लोग पढ़ के याद रख लीजिएगा कि वो संख्या जो केवल 1 से कटे और स्वयं से कटती है वह संख्या अभाज्य संख्या होती है। अब देखते हैं आज का अगला प्रश्न, उससे पहले दोस्तों एक चीज और हम बात करेंगे। अगर आपसे पूछा गया 9 क्या है, भाज्य संख्या क्या अभाज्य संख्या है, दोस्तों ये एक भाज्य संख्या है क्योंकि 1 से कटती है, 3 से भी कटती है और 9 से भी कटती है। कुछ बच्चों के अंदर डाउट चला जाता है कि भाज्य संख्या वह संख्या होती है जो 2 से कटनी चाहिए खाली, ऐसा कुछ नहीं होता दोस्तों। अभाज्य संख्या है और भाज्य संख्या ये अलग चीजें होती है, सम और विषम संख्याएं अलग चीजें होती है। अगर आपसे पूछा जाए दोस्तों 12 क्या ये भाज्य है क्या अभाज्य है, जी हाँ दोस्तों भाज्य संख्या है ये, यहाँ पर लिखेंगे दोस्तों ये कौन सी संख्या है, ये भाज्य संख्या है, ठीक है। 12 किससे कटती है, 1 से कटती है, 2 से कटती है, 3 से कटती है, 4 से कटती है, 6 से कटती है और 12 से भी कटती है, ये भाज्य संख्या है। तो चलिए हमने भाज्य भी देख लिया। भाज्य में अगर हम कहें, हाँ दोस्तों एक और याद रखिएगा, सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होती है, वो 2 होती है। सबसे छोटी संख्या है दोस्तों अभाज्य संख्या, वो होती है 2 होती है सबसे छोटी, ठीक है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होती है दोस्तों, वो होती है 2। और एक बात और है दोस्तों, क्या चीज, प्लस ये सम भी होती है। सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या अगर पूछा जाए क्या होती है, तो वो होती है आपकी 2 होती है, इसको आपको याद रखना चाहिए। अब देखते हैं आज का अगला प्रश्न
दोस्तों तो अगर बात की जाए भाज्य संख्या किसे कहते हैं तो इसको क्या उत्तर होगा? देखिए दोस्तों, भाज्य संख्या वो संख्या होती है जो एक से कटे, स्वयं से कटे और किसी और संख्या से भी कटनी चाहिए, प्लस एक और संख्या से दोस्तों कटेगी तो वो भाज्य संख्या होगी। मतलब कम से कम तीन संख्याओं से वो कटनी चाहिए, ठीक है, मिनिमम कम से कम तीन संख्याओं, ठीक है, संख्याओं ऐसे जोड़ते ना। तो दोस्तों सबसे छोटी भाज्य संख्या होती है वो होती है आपकी चार, क्योंकि चार आपकी किससे किससे कटती है? पहले एक से कटती है, दो से कटती है और चार से कटती है। दोस्तों यहाँ पर टोटल संख्या तीन है। अगर दोस्तों बात करी जाए, छः हो गई, एक से कट रही दोस्तों, दो से कटती है छः आपकी, तीन से भी कटती है और छः से भी कटती है। मतलब अगर दोस्तों यहाँ प्रश्न आपसे पूछा जाए पेपर में कि सबसे छोटी भाज्य संख्या किसे कहते हैं या क्या होती है, सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन सी है, तो वो होती है आपकी चार, आपको उत्तर ये होगा। और सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है दोस्तों, वो होती है दो। ये क्या अभाज्य संख्या सबसे छोटी, ठीक है, और सम भी होती है। तो दोस्तों दो चीजें आपको पता होनी चाहिए, सबसे छोटी भाज्य और सबसे छोटी अभाज्य। तो आपको पता चल गया होगा भाज्य संख्या कौन सी होती है। अगर पूछा जाए दस क्या है, ये भाज्य संख्या है, बारह भाज्य संख्या है, नौ क्या है, ये भी एक आपकी भाज्य संख्या है। तो दोस्तों काफी चीजें हैं, आप लोग को समझ में आ गया होगा कि भाज्य और अभाज्य में डिफरेंट क्या होता है। अभाज्य संख्या वह संख्या होती है जो केवल दो संख्याओं से कटे और भाज्य संख्या दो से अधिक, ठीक है। अगर आपका पूछा है दोस्तों दस क्या है, ये भाज्य संख्या किससे क्यों, एक से कट रहा है, दो से कट रहा है, पांच से और दस से, तो टोटल चार संख्याओं से कट रही है। अब चलिए दोस्तों बात करते हैं आज का अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों। तो 48 नंबर प्रश्न क्या रहा आपका कि संख्या पद्धति किसे कहते हैं। तो दोस्तों संख्या पद्धति को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं पता है, नंबर सिस्टम। तो चलिए परिभाषा पढ़ते हैं इसकी। संख्या पद्धति संख्याओं को व्यक्त करने के लिए लिखने की पद्धति है या मैथमेटिकल नोटेशन है जो कि एक सेट के संख्याओं को व्यक्त करने के लिए प्रयोग किया जाता है। किसी भी संख्या को निरूपित करने के लिए एक विशेष संख्या पद्धति का प्रयोग किया जाता है। प्रत्येक संख्या पद्धति में प्रयोग किए जाने वाले अंक या अंकों के समूह से उसको दर्शाया जाता है। किसी भी संख्या में अंकों जो डिजिट्स होते हैं स्थिति होती है दोस्तों दाएं से बाईं ओर गिनी जाती है। जी हाँ दोस्तों, दाएं से बाईं ओर गिनते ना थे, एक दो तीन लिखे दोस्तों, तो कैसे होता है ये, एक दो और तीन लिखा दोस्तों, तो इसको पहले पढ़ेंगे दाया है ना, इकाई, फिर दो होगा आपका दहाई, तीन होगा सैकड़ा, मतलब ठीक है 123। तो इकाई ये होती है दोस्तों, पहले इसको गिना जाता है, फिर दोस्तों दोबारा क्या गिना जाएगा, दाई ओर है ना, फिर बाई ओर ये आएगा तो हो जाएगा आपका दोस्तों दहाई, फिर दोस्तों क्या हो जाएगा, एक क्या होगा आपका, ये होगा सैकड़ा, आप लोग को तो ये पता ही होगा। चलिए इसमें कुछ नया नहीं था लेकिन आपको भी पता होना चाहिए संख्या पद्धति का यूज कब कैसे कहाँ करते हैं। अब चलिए आज का अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। तो 49 नंबर प्रश्न क्या है आपका कि पूर्णांक क्या है। तो पूर्णांक क्या होता है दोस्तों, संख्या पद्धति या नंबर सिस्टम में सभी पूर्ण संख्या जिसे दोस्तों इंग्लिश में बोलते हैं होल नंबर एवं ऋणात्मक संख्या निगेटिव नंबर साथ मिलकर जो संग्रह बनाते हैं वह संग्रह पूर्णांक कहलाता है। तो दोस्तों पूर्णांक में आपका क्या क्या, मतलब पूर्णांक में क्या 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 आता है, माइनस सिक्स, माइनस नाइन, मतलब सब कुछ दोस्तों आना चाहिए, जीरो, वन, टू, थ्री, प्लस, माइनस, सब कुछ दोस्तों जिसमें आता है वो संख्या होती है पूर्णांक। तो पूर्णांक का मतलब आप लोग अब समझ गए होंगे, जैसे दोस्तों ये लिखेंगे माइनस टू, माइनस वन, जीरो, वन, टू, दोस्तों ये सब संख्या आपकी क्या होती है, पूर्णांक होती है। जिसमें देखिए प्लस की भी संख्या प्राकृतिक संख्या दोस्तों खाली वन टू, और दोस्तों अगर जीरो ले लेते तो ये आपकी हो जाती है होल नंबर्स, ठीक है, पूर्ण संख्या, और माइनस भी ले लिया दोस्तों, सब कुछ ले लिया तो आपका ये बन गया पूर्णांक। तो दोस्तों आप लोग को समझ में आ गया होगा कि पूर्णांक आखिर क्या होता है। तो पूर्णांक में दोस्तों ये सब खाली रहता है जिसमें दोस्तों आप लोगों की पूर्ण संख्याएं तथा ऋणात्मक संख्याएं मिल जाती हैं, वहां पर होता है आपका एक संख्या, मतलब बनता है आपका एक पूर्णांक बनता है। तो बस इतना आपको समझना था। अब चलिए देखते हैं आज का अंतिम प्रश्न 50 नंबर दोस्तों। तो 50 नंबर प्रश्न क्या रहा है आपका कि गुणन का तत्सम अवयव किसे कहते हैं, ठीक है, अवयव। तो गुणन का तत्सम अवयव दोस्तों किसको बोलते हैं, तो इसका अंतर हो जाएगा दोस्तों एक, ठीक है, एक को गुणन का तत्सम अवयव कहते हैं, गुणन का तत्सम अवयव कहते हैं, ठीक है, अवयव कहते हैं। तो दोस्तों आज आप लोग ने भी काफी कॉपी में लिखा होगा, हमने भी आज काफी मेहनत की है। तो दोस्तों आज के 50 प्रश्न ये रहे, अगर आपने इन सभी 50 प्रश्नों को अच्छे से पढ़ लिया तो आप लोग का जो BTC सेकेंड सेमेस्टर मैथ के अति लघु उत्तरी के प्रश्न होने वाले हैं इसमें से कोई भी आपका प्रश्न नहीं छूटेगा। थोड़े से खाली क्वेश्चन में दोस्तों चेंजेस क्या होंगे, जहां पर एक लिखा होगा वहां दो लिख जाएगा, दो की जगह चार लिख जाएगा, बस थोड़ी थोड़ी चीजें बदलती रहेंगी। तो बस उसी चीज को आपको ध्यान में रखना है। तो आज अगर आपने इन 50 प्रश्नों पर अच्छी मेहनत की तो आपके अच्छे नंबर आने वाले हैं और आप लोग
पूरे अति लघुत्तरी के दोस्तों 100% सही अंक ला सकते हैं। और भी दोस्तों अगर कुछ अपडेट्स करने होंगे क्वेश्चंस, तो हम आपके लिए नए क्वेश्चंस और भी जोड़ेंगे इसमें। फिलहाल दोस्तों 50 क्वेश्चन पर आप लोग अच्छी प्रैक्टिस करिए, तैयारी करते रहिए। अगली वीडियो में फिर मिलेंगे हम लोग बहुत ही जल्द, तो आप लोग तैयारी दोस्तों करते रहिए। और एक ही और दोस्तों, अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। ठीक है, फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड लक और पढ़ते रहिए।